हिंदी ट्वीम रिट्रीट डे 8। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् अरहतो भगवतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। चंकी सुत्तम मज्जिम निकाय का 95वां सूत्र। मुझे लगता है कि आपको ये सूत्र बहुत अच्छा लगेगा। क्या कहा गया? एवं मे सुतं, ऐसा मेरे द्वारा सुना गया। एकं समयं भगवा, एक समय भगवान। कोसलेषु चारिकं, कोसल प्रदेश में चारिका कर रहे थे। चरमानो महता भिक्षु संघेन सद्धिम एन ओपासादम नाम कोसलानम ब्राह्मण गामो तद अवसरि। एक समय भगवान कोसल प्रदेश में विहार करते करते बहुत सारे भिक्षु संघ के साथ, जिसमें बहुत अधिक संख्या में भिक्षु थे, ओपासाद नाम के कोसल प्रदेश के ब्राह्मणों के एक गांव के पास उस समय उस अवसर पर पहुंच गए। तत्र सूदं भगवा ओपासादे विहरति उत्तरेन ओपासादं देववने सालवने। उस ओपासाद गांव के क्षेत्र में उत्तर दिशा में देववन शालवन नाम का एक वन था, वहां पर भगवान विहार करने लग गए, रहने लग गए। तेन खोपन समय चंकी ब्राह्मणों ओपासादम अज्ञावसति सत्तुसद्दम सती न कठोदकम सधन्यम राजभोग्यम रण्या पसेन दीना कोसलेन दिन्नम राजदायं ब्रह्मदेय। उस समय चंकी नाम के ब्राह्मण को यह जो ओपासाद नाम का गांव है उसकी जागीर राजा प्रसेनजीत ने भोगने के लिए दी गई थी। ब्रह्मदेयं, ब्राह्मणों को देने योग्य ऐसा वो ग्राम था, और वहां पर जो भी लोग रहते थे, वहां पर जो भी तृण था, काष्ठ था, उदक था, धान्य संपन्न ऐसा वो प्रदेश था, और राजा को भोगने योग्य ऐसा वो प्रदेश उस चंकी नाम के ब्राह्मण को राजा प्रसेनजीत, जो कोसल प्रदेश का राजा था, उसने उस ब्राह्मण को दिया हुआ था। और वह ब्राह्मण उस ग्राम में राज करता था, वास करता था। कोसल प्रदेश में कई कस्बे थे, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है कि राजा उससे प्रसन्न हो जाता है, तो राजा उसे फिर कोई गांव कोई जागीर भेंट देता था, जिसमें एक या अनेक ग्राम होते थे, अनेक शहर होते थे, या अनेक बड़े शहर होते थे। तो ये चंकी ब्राह्मण भी इसी प्रकार से राजा को प्रसन्न करके इस जागीर को भोग रहा था।
अस्सो शुंखो ओपा साधका ब्राह्मण गहपति का। तो उस समय ओपासात ग्राम में जो निवासी ब्राह्मण गृहपति थे उन्होंने सुना, समणो खलु भो गौतमो शक्य पुत्तो शक्य कुला पब्बजितो कोसलेषु चारिकं चरमानो महता भिक्षु संघेन सद्धिम ओपासादम अनुपतो ओपासादे विहरति उत्तरेण ओपासादम देववने सालवने। उस ओपासाद गांव के रहने वाले ब्राह्मण गृहस्थों ने सुना, शाक्य पुत्र श्रमण गौतम जो कि शाक्य कुल से प्रव्रजित होकर कोसल देश में विशाल भिक्षु संघ के साथ चारिका करते हुए ओपासाद ग्राम में पधारे हैं और वे इस समय इस गांव के उत्तर की तरफ जो देववन है और उसमें भी जो शालवन है वहां पर ठहरे हुए हैं। तम खोपन भवंतम गौतमम एवं कल्याणो कित्ति सद्दो अभुगतो। और उस समय भगवान गौतम बुद्ध की सारी जगह कल्याण कीर्ति फैली हुई थी। क्या कीर्ति फैली हुई थी? इति पीसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विज्जाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीशदम्भसारथि सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवा। कि ये जो भगवान है वो अरहंत है, सम्यक संबुद्ध है, विद्या और आचरण से संपन्न है, सुगत है, लोकविदु है, लोगों को जानने वाले हैं और उनकी गति अच्छी है, अनुत्तरो उनकी कोई तुलना नहीं, पुरीशदम्भसारथि पुरुषों का शासन करने वाले, सत्था देव मनुष्यानं देव और मनुष्य दोनों को सिखाने वाले बुद्धो भगवती, ऐसे ये बुद्ध भगवान है। सो इमं लोकम सदेवकम समारकम सब्रह्मकम सस्समण ब्राह्मणिम पजम सव सदेव मनुष्यम स्वयं अभिन्या सच्चिकत्वा पवेदेति। तो यह जो लोक है जिसमें देव भी है, मार भी है, ब्रह्म भी है और श्रमण ब्राह्मण भी है और देव मनुष्य भी है, उसमें वो अभिज्ञा के साथ सब कुछ जानते हैं। सो धम्मम देशेति और धर्म को पढ़ाते हैं, आदि कल्याणम जो शुरुआत में कल्याणकारी है, मध्ये कल्याणम मध्य में कल्याणकारी है, परियोसान कल्याणम और जिसका परिणाम भी कल्याणकारी है, सार्थम अर्थपूर्ण है, सब व्यंजनम तफसील के साथ सिखाते हैं, केवल परिपूर्णम ऐसा धर्म सिखाते हैं कि जिसमें अब और कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, परिशुद्धम ऐसा धर्म सिखाते हैं कि जिसमें से कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, जिसमें कोई खोट नहीं है, ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य धर्म के लिए और एक शब्द है, का सेती इस तरह का ब्रह्म पूर्वक ब्रह्म बनाने वाला आचरण भगवान सिखाते हैं। साधु खोपन तथा रूपानम अरहतम दर्शनम होती, ऐसे ज्ञानियों का दर्शन मंगलमय होता है, ऐसा उन ब्राह्मणों ने सुना। अथ को ओपासाद का ब्राह्मण गहपति का ओपासादा निखमित्वा संघ संघी गणीभूता उत्तरे नमुखा गच्छन्ति एन देववनम सालवनम। तब ओपासाद के रहने वाले ओ ब्राह्मण गृहस्थ अनेक समूह बनाकर इकट्ठे होकर उत्तर की तरफ देववन के शालवन की ओर जाने लगे। देववन नाम का एक बड़ा एरिया होगा और उसमें एक छोटा सा शालवन नाम का छोटा एरिया, वो देवन का ही हिस्सा होगा, तो वहां पर भगवान ठहरे हुए थे। तो ब्राह्मणों का गांव था और जो ब्राह्मण गृहस्थ थे उन्होंने भगवान की कीर्ति सुनी और वो सुनकर भगवान की तरफ जाने लगे उत्तर की ओर। तेन खोपन समयेन चंकी ब्राह्मणों उपरी पासादे दिवासेयम उपगतो। उस समय चंकी नाम का जो उस गांव का मुखिया था ब्राह्मण, वो अपने महल में ऊपरी मंजिल पर आराम कर रहा था।
अद्दसाखो चंकी ब्राह्मणो ओपासाद के ब्राह्मण गहपति के ओपासादा निखमित्वा संघ संघी गणीभूते उत्तरेन मुखम एन देववनम सालवनम तेन उपसंकमन्ते। तब उस चंकी ब्राह्मण ने देखा कि ओपासाद के रहने वाले जो ब्राह्मण गृहस्थ है वो ओपासाद से बाहर निकलकर और अपने अलग अलग गुट बनाकर उत्तर दिशा की ओर जो देववन है और देववन में भी जो शालवन है वहां के लिए निकले हुए है। दिसवा खत्तम आमंतेसी। तब उस देख कर उसने अपना जो मंत्री है उसे खत्तम कहते हैं, वो उस गांव का मुखिया था तो उसके पास अपना मंत्री भी था, मतलब सचिव कहो या जो भी हो, पर्सनल असिस्टेंट होगा, पीए होगा, उसे उसने बुलाया। किमनु खो खो भत्ते ओपासाद का ब्राह्मण गहपति का ओपासादा निखमित्वा संघ संघी गणिभूता उत्तरे न मुखा गच्छन्ति एन देववनम सालवनम थी। क्यों ये खत्ता? ओपासाद के ब्राह्मण गृहस्थ जो है वो ओपासाद को छोड़कर और अलग अलग अपने अपने गुट बनाकर उत्तर दिशा की ओर देववन में जहां शालवन है वहां क्यों जा रहे हैं? तो खत्ता ने जवाब दिया, अथि भो चंकी समणो गौतमो सख्य पुत्तो सख्य कूला पब्बजीतो कोसलेसु चारिकम चरमानो महता भिक्षु संघे न सद्धिम ओपासादम अनुपतो। यहाँ पर चंकी भैया श्रमण गौतम जो शाक्य पुत्र है, शाक्य कुल से प्रव्रजित हुए हैं, वो कौशल प्रदेश में चारिका कर रहे हैं और बहुत बड़ा भिक्षु संघ उनके साथ है। आजकल वो ओपासाद में आए हुए हैं। ओपासादे विहरति उत्तरेन ओपासादम देववने सालवने। और ओपासाद में विहार करते हुए ओपासाद के उत्तर में जो देववन है और देववन में भी जो शालवन है वहां वो ठहरे हुए हैं, विहार कर रहे हैं। तम खोपन भवंतम गौतमम एवं कल्याणो कित्ति सद्दो अभ्युगतो। उस भगवान गौतम के बारे में ये कल्याण कीर्ति शब्द प्रसिद्ध है कि इति पिसो भगवा अरहं, वो भगवान है, अरहंत है, सम्मा संबुद्धो सम्यक संबुद्ध है, विद्या चरण संपन्नो विद्या और आचरण से युक्त है, सुगतो उनकी जो गति है वो अच्छाई की ओर जाने वाली है, लोकविदु वो सारे लोगों को जानते हैं, अनुत्तरो उनकी कोई तुलना नहीं है, पुरी सदम सारथी पुरुषों को वो दमन करने वाले पुरुषों का ऐसे सारथी है, सत्था देव मनुष्यानम देव और मनुष्यों के शास्ता है, बुद्धो भगवाति इस तरह के वो बुद्ध भगवान है। तमे में भवतम गौतमम दस्सनाय गच्छन्ति इति। तो उनके उन गौतम के दर्शन के लिए ये सारे ब्राह्मण गृहस्थ देववन में जो शालवन है जो उत्तर दिशा की ओर है वो पासाद गांव के वहां पर जा रहे हैं। तो चंकी ब्राह्मण फिर उससे कहता है, ते नहीं भो खत्ते एन ओपासाद का ब्राह्मण गहपति का तेन उपसंकमित्वा ओपासाद के ब्राह्मण गति गहपति के एवं वदेहि। तो हे भैया खत्त, तू ओपासाद के ब्राह्मण गृहस्थों के पास जा और पास जाकर ओपासाद के ब्राह्मण गर्भपतियों से यह कह, चंकी भो ब्राह्मणो एवं माह आगमेन्तु कीर भोन्तो चंकीपी ब्राह्मणो समणम गौतमम दस्सनाय उपसंकमिस्सति। चंकी ब्राह्मण भी भाई भाइयों आने वाला है तो आप रुको, और चंकी ब्राह्मण भी श्रमण गौतम के दर्शन के लिए आएगा, ऐसा उसे उन ब्राह्मणों से जाकर कहो, उनको रुकने के लिए हो, मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूं, ऐसा चंकी ब्राह्मण ने अपने खत्त से मंत्री से कहा। तो वो जो खत्त था उनका मंत्री पीए जो भी था उसने कहा, एवं भो अच्छा भैया, और फिर जाकर वो उन्हें कहता है, एवं भोति खोसो खत्तो चंकिस्स ब्राह्मणस्स पटिस्सुत्वा एन ओपासाद को ब्राह्मण गहपति का तेन उपसंकमी। ऐसा कहकर खत्त चंकी ब्राह्मण को सुनकर
ओपासात के ब्राह्मण गृहस्थों के पास गया। उपसंकमित्वा उनके पास जाकर ओपासाद के ब्राह्मण गृहपति के एतद ओज ओपासाद के ब्राह्मण गृहस्थों को उसने कहा, चंकी भो ब्राह्मणो एव माह आगमेन्तु कीर भुन्तो चंकीपी ब्राह्मणो समणम गौतमम रसनाय उपसंकमिष्यति इति। चंकी ब्राह्मण भी भाइयों आपके साथ आने वाले हैं, वो भी श्रमण गौतम का दर्शन करना चाहते हैं। ते नखोपन समयेन नाना वैरज्जकानं ब्राह्मणानं पंचमत्तानि ब्राह्मण सतानि ओपासादे पटिवसन्ति केनचिदेव करणीयेन। उस समय नाना प्रकार का काम करने वाले ब्राह्मण लगभग 500 पंचबत्तानी ब्राह्मण सतानी मतलब 500 ब्राह्मण ओपासादे पटी वसंती ओपासाद में आकर रुके हुए थे। केनचि देव करणीयेन किसी किसी काम से। असो सुमखोते ब्राह्मणा तो उन ब्राह्मणों ने सुना, चंकी किर ब्राह्मणो समणम गौतमम दस्सनाय उपसंकमी सति थी कि चंकी नाम का ब्राह्मण भी श्रमण गौतम के दर्शन के लिए जाने वाला है। अथ खोते ब्राह्मणा एन चंकी ब्राह्मणो तेन उपसंकमिसुम। तब 500 ब्राह्मण जो थे अलग अलग कारणों से नाना जगह से वो आए हुए थे, नाना वैरज्य का नमम अलग अलग राज्यों से वो ओपासाद में आए हुए थे किसी किसी कारण से। तो वो चंकी ब्राह्मण के पास गए उपसंकमित्वा और पास जाकर चंकीम ब्राह्मणम एतद ओचु चंकी ब्राह्मण से उन्होंने ये कहा। क्या कहा? सच्चम की रभवम चंकी समणम गौतमम दस्सनाय उपसंकमिष्यति इति। सचमुच क्या है चंकी, आप श्रमण गौतम के दर्शन के लिए उसके पास जाने वाले हो? तो चंकी ब्राह्मण ने कहा, एवं खो में भो होती, हाँ भाइयो सचमुच अहम समणम गौतमम दस्सनाय उपसंकमिष्यामि इति। सचमुच मैं श्रमण गौतम के दर्शन के लिए उनके पास जाने वाला हूं। तब उन ब्राह्मणों को मिर्ची लग गई। उन्होंने सोचा कि ये ब्राह्मणों का मुखिया जाकर उस श्रमण से क्यों मिलेगा। तो फिर उन ब्राह्मणों ने चंकी ब्राह्मण से कहा, मा भवम चंकी समणम गौतमम दस्सनाय उपसंकमि। हे चंकी भैया आप मत जाओ उस श्रमण गौतम को देखने के लिए। न अरहति भवम चंकी समणम गौतमम दस्सनाय उपसंकमि तुम। ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है कि आपके जैसा चंकी ब्राह्मण उस श्रमण गौतम के दर्शन के लिए उसके पास जाए। समणोत्वेव गौतमो अरहति भवंतम चक्की दस्सनाय उपसंकमि तुम। वो जो श्रमण गौतम है उसे ही चंकी ब्राह्मण के दर्शन के लिए आना चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों? इसके कारण भी वो जो अलग अलग राज्यों से आए हुए और ओपासाद ग्राम में ठहरे वाले ब्राह्मण हैं, वो चंकी ब्राह्मण को उसका कारण भी बता रहे हैं। भवम ही चंकी उभतो सुजातो मातितो च पितितो च संशुद्ध गहणिको याव सप्तमा पीता महयुगा अखितो अनुपकुठो जातिवादेन। हे चंकी ब्राह्मण, 7 पीढ़ियों से माता की ओर से और पिता की ओर से भी और तुम्हारे नाना नानी और दादा दादी की ओर से भी तुम्हारा कुल शुद्ध है। दोनों ही तरफ से आप कुलीन हो। आप पिता पितामह प्रपितामह आदि 7 पीढ़ियों तक जातिवाद से आक्षेप रहित और अनिंदित है। और फिर इमिना पंगेन न अरहति भवम चंकी समणम गौतमम दस्सनाय उपसंकमी तुम। इस कारण से आपको गौतम के दर्शन के लिए नहीं जाना चाहिए, बल्कि समणोत्वेव गौतमो अरहति भवंतम चंकीम दस्सनाय उपसंकमी तुम। बल्कि उस भगवान गौतम बुद्ध को ही आपके दर्शन के लिए आना चाहिए। आगे कहा गया, भवम ही चंकी अड्ढो महद्धनो महाभोगो। आप बहुत धनाढ्य है, धनवान है, महाभोग संपन्न है। भवम ही चंकी तिंडम वेदानम पारगु सनिगंडु केटुभानम साखरप्प भेदानम
इतिहास पंचमानं पदको वैयाकरणो लोकायत महापुरुष पुरिस लखणेशु अनवयो। चंकी ब्राह्मण, आप तीनों वेदों में पारंगत है और उसके वेदों के जो टीकाएं हैं या वेदों के जो अंग है या वेदों के जो भाष्य है जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, निघंटु केटुभ साखरप, उसका भेद आप जानते हैं। फिर इतिहास पंचमानम, उसका जो पांचवा अंग है उस इतिहास को भी आप जानते हैं, उसके आप ज्ञाता है। फिर पदको, उसके पदक को भी आप जानते हैं। वैयाकरणों, उसके व्याकरण को भी आप जानते हैं। लोकायत, लोकायत शास्त्र को भी आप जानते हैं। महापुरुष लक्षणेषु अन्वयो, महापुरुष के लक्षण जो है उसके अन्वय को भी आप जानते हैं। भवम ही चंकी अभिरूपो दस्सनीयो पासादिको परमाय वर्ण पोखरताय समन्नागतो ब्रह्मवर्णी ब्रह्मवच्छसी अखुदावकाशो दस्सनाय। और आप मृदुभाष शीलवान है, सदाचार में बहुत आगे बढ़े हुए हैं। आप दर्शनीय है, प्रासादिक है, आपका वर्ण बहुत अच्छा है, ब्रह्मवर्णी है। भवम ही चक्की सिलवा उद्धशीली उद्धशीलेन समन्नागतो, आप शील में भी बहुत अच्छे हैं, शील भी आपका बहुत अच्छा है। भवम ही चंकी बहुनम आचरीय पाचरीयो तिणी माणवक सतानी मंते वाचेति, और आप जो है 300 ब्राह्मण विद्यार्थियों को मंत्र पढ़ाते हो। तीनी मानक सतानी मतलब 300 ब्राह्मण विद्यार्थी, उनको आप मंत्र पढ़ाने वाले हो। भवम ही चंकी रन्यो पसेन दिस्स कोसलस्स सक्कतो गरुकतो मानितो पूजितो अपचितो, और आपको राजा प्रसेन जी भी बड़ा आपका सत्कार करता है, गौरव करता है, मानता है, पूजा करता है। और भवम ही चंकी ब्राह्मणस्स पोखरस आतिस्स सक्कतो गरुकतो मानितो पूजितो अपचितो, और पोखर साथी जैसा जो प्रसिद्ध ब्राह्मण है वो भी आपका सत्कार करता है, आपका गौरव करता है, आपका मान करता है, आपकी पूजा करता है। और फिर क्या कहा गया, भवम ही चक्की ओपासादम अज्जावसति सत्तुसद्दं सतिणकठोदकं सधन्यम राजभोगम रन्यापसेन दीना कौसलेन दिन्नम राजदायम ब्रह्मदेयम। और इसी वजह से यह इतना सारा ऐश्वर्य, इतना सारा, इतनी बड़ी जागीर जो ब्राह्मणों को देने योग्य है वो राजा ने, कौसल के राजा प्रसेनजीत ने आपको दी हुई है, जिसमें इतना सारा ऐश्वर्य है, धान्य है, राजभोग है और काष्ठ है, घास है, मतलब बहुत सारी हरियाली इसमें है, इतने सारे लोग है, तृण काष्ठ धन धान्य संपन्न ऐसा क्षेत्र आपको राजा प्रसेनजीत ने ब्राह्मणत्व के कारण आपको दिया हुआ है। यम्पी भवम चक्की ओपासादम अज्जावसति सत्तु सद्दम सतिण कठोदकम सधन्यम राजभोगम रन्यापसेन दीना कौसलेन दिन्नम राजदाय ब्रह्मदेयम। और क्योंकि इतने बड़े जागीरदार आप है, इमिना पंगेन न अर्हति भवम चंकी समणम गौतमम दस्सनाय उपसंकमितुम, तो इससे आपको ये शोभा नहीं देता कि आप इतने बड़े जागीरदार उस एक श्रमण के दर्शन के लिए उसके पास जाए। समणोत्वेव गौतमो अर्हति भवंतम चंकी दस्सनाय उपसंकमितुम, उस श्रमण गौतम को ही आपके पास आपके दर्शन के लिए आना चाहिए। एवं उत्ते, ऐसा कहे जाने पर चंकी ब्राह्मणो ते ब्राह्मणे एतदवोच, फिर चंकी नाम के उस जागीरदार ब्राह्मण ने उन बाहर के राज्यों से आए वाले ब्राह्मणों से ये कहा, ते नहीं भो ममपि सुनाथ, अच्छा है भाइयों मेरा भी सुनो, यथा मयमेव अरहाम तम समणम गौतमम दस्सनाय उपसंकमितु, क्यों मेरा श्रमण गौतम के पास जाना उचित है, और न त्वेव अर्हति सो भवम गौतमो अमाकम दस्सनाय उपसंकमितुम, और उन श्रमण गौतम का मेरे पास आना उचित नहीं। समणो खलु भो गौतमो उभतो सुजातो मातितो चो पितितो च संशुद्ध गहणीको यावम सत्तमा पीता महयुगा अखितो अनुपकुट्ठो जातिवादेन, मेरी तरह ही श्रमण गौतम भी माता से और माता की ओर से भी
और पिता की ओर से भी उनका कुल सुजात है, अनिंदीय है। नाना नानियों के ओर से भी और दादा दादियों की ओर से भी उनके ऊपर कोई आक्षेप लिया हुआ नहीं गई है, नहीं है, और उनकी जाति भी शुद्ध है। यम्पि भो समणो गोतमो उभतो सुजातो मातितो च पितितो च संशुद्ध गर्णिको यावसत्तमा पीता महयुगा अखितो अनुपकुट्ठो जातिवादेन। और क्योंकि 7 पीढ़ियों तक उनका कुल शुद्ध ही रहा है, पिछली 7 पीढ़ियों को अगर हम देखें, इमिना पंगेन न अरहति सोभवम गोतमो अमाकम दस्सनाय उपसंकमीतुम। इसलिए योग्य नहीं कि वो श्रमण गौतम मेरे दर्शन के लिए आए, बल्कि अथको मयमेव अरहाम तम भवंतम गौतमम दस्सनाय उपसंकमितु, मुझे ही उनके पास उनके दर्शन के लिए जाना चाहिए। समणो खलु भो गौतमो बहुतम हिरण्य सुवर्णम ओहाय पब्बजितो भूमिगतम च वेहा सठम च। और उसके राज्य में तो बहुत सारा हिरण्य सुवर्ण था, वो सब छोड़कर वो प्रवर्जित हो गया और उसने घर छोड़ दिया। अत्यधिक चल अचल संपत्ति, सोना चांदी छोड़कर वो प्रवर्जित हो गया, इसलिए भी मुझे उनके पास जाना चाहिए, न कि उनको मेरे पास आना चाहिए। समणो खलोभी गौतमो दहरो व समानो युवा सुसु काल केसो भद्रेन योबनेन समन्नागतो पठमेन वयसा अगरस्मा अनागारियम पब्बजितो। और वह श्रमण गौतम जब उसके केश काले थे, मतलब चढ़ती जवानी में ही घर से बेघर हो प्रवृजित हुआ है, इस कारण भी मुझे ही उसके पास जाना चाहिए, न कि उसे मेरे पास आना चाहिए। समणो खलु भो गौतमो अभिरूपो दस्सनीयो पासादिको परमाय वर्णपोखरताय समन्नागतो ब्रह्मवर्णी ब्रह्मवच्छसी अखुद्धा। और वो श्रमण गौतम जो है रूपवान है, दर्शनीय है, सुंदर है और उसका वर्ण भी बहुत अच्छा है और उसकी वाणी भी बहुत अच्छी है, इसलिए भी मुझे ही उसके पास जाना चाहिए, न कि उसे मेरे पास आना चाहिए। समणो खलु भो गौतमो अकामकानम माता पितुनम अश्वमुखानम रुदंतानम केशमस्सुम ओहारित्वा कासायानि वत्थानि अच्छा देत्वा अगारस्मा अनागारियम पब्बजितो। और जब उसने घर छोड़ा तो उसके माता पिता आंसू बहा रहे थे, फिर भी उसने भगवे रंग का वस्त्र पहनकर घर छोड़ दिया, इसलिए भी वही श्रेष्ठ है, मुझे ही उसके पास जाना चाहिए, न कि उसे मेरे पास आना चाहिए। समणो खलु भो गौतमो सिलवा अरियशीली कुशलशीली कुशलेन शीलेन समन्नागतो। और वो शीलवान है, आर्यशील का पालन करता है, शील पालन करने में कुशल है और कुशल शील में से संपन्न है, इसलिए भी मुझे ही उसके पास जाना चाहिए, ना कि उसको मेरे पास आना चाहिए। समणो खलु भो गौतमो कल्याणवाचो कल्याणवाक्करणो कोरियावाचाय समन्नागतो विसठ्ठाय अनिलगड़ाय अर्थस्य विज्ञापनीया। और वह जो श्रमण गौतम है वह कल्याण की मयी वाणी बोलते हैं, दूसरों के प्रति सभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, इस कारण भी मुझे ही उनके पास जाना चाहिए, न कि उनको मेरे पास आना चाहिए। आगे कहा गया, समणो खलु भो गौतमो बहुनम आचरीय प्राचरीय। ओ श्रमण गौतम है बहुत लोगों के आचार्य और प्राचार्य है, इसलिए भी मुझे ही उनके पास जाना चाहिए, न कि उनको मेरे पास आना चाहिए। समणो खलु भो गौतमो हीन काम रागो विगत चापल्लो। और वो जो श्रमण गौतम है उनके काम और राग क्षीण हो गए हैं और उनका जो चापल्य होता है, जिसके जिसमें काम राग होते हैं, जिसमें कोई भी विकार होते हैं, उसमें जो चापल्य होता है वो उनमें नहीं है, वो चपलता उनमें नहीं है, इसलिए भी हे भाइयों मुझे ही उनके पास जाना चाहिए, न कि उनको मेरे पास आना चाहिए। समणो खलु भो गौतमो कम्मवादी किरीयवादी अपाप पुरे खारो ब्रह्मन न्याय पजाय। श्रमण गौतम कर्मवादी है, क्रियावादी है और जो ब्राह्मण प्रजा है उनके प्रति उनके मन में कोई पाप नहीं है,
कोई उनके मन में द्वेष नहीं है ब्राह्मणों के प्रति, इसलिए भी मुझे ही उनके पास जाना चाहिए और उनके उनका मेरे पास आना ठीक नहीं। समणो खलु भो गौतमो उच्चाकूलो पब्बजी तो असंभिन्ना खत्तीय कुला श्रमण गौतम अधीन क्षत्रिय कुल उच्च कुल से प्रवरोजित हुए हैं, इसलिए भी मुझे ही उनके पास जाना चाहिए न कि उनको पास मेरे पास आना चाहिए। समणो खलु भो गौतमो अड्ढा कुला पब्बजी तो महद्धना महाभोगा बहुत अमीर कुल से बहुत उच्च कुल से महाभोग संपन्न कुल से वो प्रवृजित हुए हैं, इसलिए मुझे ही उनके पास जाना चाहिए। समणम खलु भो गौतम तिरोरट्ठा तिरोजनपदा संपुचित तुम आगच्छति। और मैं इस देश का रहने वाला हूँ, इस गांव का मैं रहने वाला मैं हूँ और वो बाहर से यहाँ आए हुए हैं, तो हमारे वो अतिथि है। तो जब कोई अतिथि हमारे यहाँ आता है तो यजमान को चाहिए कि यजमान जाकर अतिथि का स्वागत करे, इसलिए भी मेरा ही उनके पास जाना उचित है ना कि उनका मेरे पास आना। और फिर समणम खलु भो गौतमम अनेकानी देवता सहस्रानी पाणे ही शरणम गतानी, और न जाने कितने प्राणी उनकी शरण में गए हुए हैं, सुनते हैं कि हजारों देवताएं उनके शरण में हैं, इसलिए भी मुझे ही उनके पास जाना चाहिए न कि उनको मेरे पास आना चाहिए। समणम खलु भो गौतमम एवं कल्याणो कित्ति सद्दो अभुगतो, और उन श्रमण गौतम के बारे में ऐसा कल्याणकारी कीर्ति शब्द हर जगह सुनाई देता है कि इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विज्जा चरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। समणो खलु भो गौतमो त्वत्तींस महापुरीस लक्षणे ही समन्नागतो, उस भगवान गौतम बुद्ध में महापुरुषों के जो 32 लक्षण है वो उनमें सारे के सारे पाए जाते हैं, इसलिए भी मुझे ही उनके पास जाना चाहिए। समणम खलु भो गौतमम राजा मागधो सेनियो बिंबिसारो सपुत्तदारो पाणे ही शरणम गतो, जो मगध का राजा श्रेणीय बिंबिसार है वो अपने पुत्र और पत्नी के साथ उनके शरण में आया हुआ है। समणम खलु भो गौतमम राजा पसे नदी कोसलो सपुत्तदारो पाणे ही शरणम गतो, और हमारे कौशल प्रदेश का जो राजा है प्रसेनजीत वो भी अपने पुत्र और पत्नियों के साथ उनकी शरण में गया हुआ है। समणम खलु भो गौतमम ब्राह्मणो पोखर साती सपुत्तदारो पाणे ही शरणम गतो, और कौशल देश में जो सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण है जिसका नाम पुष्कर साती है वो भी अपने पुत्र और पत्नियों के साथ उन भगवान गौतम बुद्ध की शरण में गया हुआ है। समणो खलु भो गौतमो ओपासादम अनुपतो ओपासादे विहरति उत्तरेन ओपासादम देव बने साल बने, और इस अपने गांव में अपने ओपासा में ओपासाद की उत्तर दिशा में जो देववन है उसके शालवन में अभी गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं। एक हो तो समणा वा ब्राह्मणा वा अमाकम गाम खेतम आगच्छन्ति, और जब कोई श्रमण या जब कोई ब्राह्मण बाहर से हमारे गांव के क्षेत्र में आता है तो अतिथो नोते होती, तो वो हमारा अतिथि होता है ना, अतिथि को पन में ही सक्का तब्बा गरु का तब्बा माने तब्बा पूजे तब्बा, और जो अतिथि होता है उसका हमें सत्कार करना चाहिए, उसका हमें गौरव करना चाहिए, उसे हमें मान देना चाहिए, हमने उसकी पूजा करनी चाहिए। यम्पि समणो गौतमो ओपासादम अनुपत्तो ओपासादे विहिरति उत्तरेन ओपासादम देव वने साल वने अतिथि महाकम समणो गौतमो, इसी प्रकार श्रवण गौतम अभी ओपासाद में आए हुए हैं, ओपासाद की उत्तर दिशा में जो देववन है उसके शालवन में वहाँ हमारे अतिथि बनकर ठहरे हुए हैं। अतिथि को पन में ही सक्का तब्बो गरु का तब्बो माने तब्बो पूजे तब्बो, तो हमें
उनका सत्कार करना चाहिए, गौरव करना चाहिए, उन्हें मान देना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। इमिना न अर्हति सो भवम गौतमो अमाकम दस्सनाय उपसंकमीसु, इसलिए उनका मेरे पास मेरे दर्शन के लिए आना ठीक नहीं। अथको मयमेव अरहम तम भवंतम गौतमम दस्सनाय उपसंकमितु, मेरा ही उनके पास जाना दर्शन के लिए ठीक है। एतखेखो हम तस् भोतो गौतमस्य वर्णे परियापणामि, इतनी बातें मैं भगवान गौतम के बारे में कह रहा हूँ। नोच खोसो एभवम गौतमो एतक कवर्णो, ये मत सोचो कि भगवान बुद्ध में केवल इतने ही गुण है। अपरिमाण वर्णो ही सो भवम गौतमो, भगवान बुद्ध में तो इतने गुण है कि हम उन गुणों को गिन ही नहीं सकते। एक मेके न पीते न अंगे न समन्नागतो न अरहति भो भवम गौतमो अमाकम दसनाय उपसंकमितुम, अगर जितने गुण उनमें से है उनमें से केवल एक ही गुण उनमें भी होता तो भी उसी कारण से श्रवण गौतम का मेरे दर्शन के लिए आना ठीक नहीं, मेरा ही उनके दर्शन के लिए जाना ठीक है। अथ को मयमेव अरहामतम भवंतम गौतमम दस्सनाय उपसंकमितुंति, इसलिए मेरा ही उनके पास जाना ठीक रहेगा। तेन ही भो सब्बेव मयम समणम गौतमम दस्सनाय उपसंकमिस्सा माति, तो चलो अब हम सब मिलकर उन भगवान गौतम के दर्शन के लिए जाते हैं। अथखो चंकी ब्राह्मणो महता ब्राह्मण गणेन सद्धिम एन भगवा तेन उपसंकमी, इस प्रकार वो चंकी नाम का ब्राह्मण जागीरदार जो ओपासाद गांव क्षेत्र का मुखिया था, वो अनेक ब्राह्मणों के साथ बहुत सारे ब्राह्मणों के साथ भगवान के पास गए। उपसंकमित्वा भगवता सद्धिम सम्मोदी, और जाकर भगवान का हाल कुशल मंगल पूछा। सम्मोदनीयम कथम सारणीयम विति सारे, और कैसे हो, अच्छे तो हो ना, आपकी तबीयत वगैरह सब ठीक है ना, ऐसा सब कुशल मंगल पूछने के बाद एक मंतम निसी दी और वो भगवान के सामने एक जगह बैठ गया, एक और बैठ गया। उस समय क्या हो रहा था, भगवान जहाँ ठहरे हुए थे वहां पर क्या हो रहा था, उसका वर्णन अब आगे आता है। ते न खोपन समय न भगवा उद्धे ही ब्राह्मणे ही सद्धिम किंच किंची कथम सारणीयम वितिसारित्वा निसिन्नो होती, उस समय भगवान बूढ़े बूढ़े ब्राह्मणों के साथ अध्यात्म की चर्चा, किसी किसी चीज की चर्चा करते हुए बैठे हुए थे। तेन खोपन समयेन कापटिको नाम मानवो दहरो उत्तसीरो सोलसवसुदेशु देशिको जातिया तिंडम वेदानम पारगु सनिघंडु केठुभानम साखरप्प भेदानम इतिहास पंचमानम पदको वेय्याकर्णो लोकायत महापुरीस लक्षणेशु अनवयो तस्सम परिसायम निसिन्नो होती, उस समय कोई कापटिक, या हो सकता है संस्कृत में उसका उच्चार कापथिक हो, कापटिक नामक एक तरुण युवा गोल सिर वाला, आयु से ऐसे लगता है कि 16 वर्ष का हो, वो तीनों वेदों में पारंगत था और तीनों वेदों के साथ वेदों के जो निघंटु केटुप साखरप और भेद होते हैं और पांचवा इतिहास होता है, फिर पदक होते हैं, व्याकरण होता है, लोकायत होता है और महापुरुष के लक्षण होते हैं, उन सब को जानने वाला उस परिषद में बैठा हुआ था। सो उद्धानम उद्धानम ब्राह्मणानम भगवता सद्धिम मंतयमानानम अंतरंतरा कथम ओपापेति, और जब वो बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण भगवान के साथ मंत्रणा कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो बीच बीच में वो भी बोल रहा था। अथको भगवा कापटिकम मानवम अपसादेति, तो उस समय भगवान ने उस कापटिक नाम के ब्राह्मण विद्यार्थी को टोका। मायस्मा भारद्वाजो उद्धानम उद्धानम ब्राह्मणानम मंतयमानानम अंतरंतरा कथम ओपातेतु, उसे भारद्वाज कह के पुकारा। हो सकता है उसका भारद्वाज गोत्र हो, पहले भी हमने देखा सुंदरी भारद्वाज और अकीक भारद्वाज
तो ये भारद्वाज गोत्र का होगा, इसलिए उसे भगवान ने कहा कि हे भारद्वाज, जब बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं तो बीच बीच में मत बोलो। तथा परियोसानम आयस्मा भारद्वाजो आगमे तू, तो हमारी चर्चा पूरी होने दो, उसके बाद भारद्वाज फिर तुम मेरे से बात करो। तो ये चंकी ब्राह्मण ने सुना, और चंकी ब्राह्मण जानता था कि ये भले ही 16 साल का है, ये कापतिक नाम का भारद्वाज ब्राह्मण, फिर भी वो तीनों वेदों में पारंगत था और वेदों के सारे अंगों को, भाष्यों को, टीका को जानता था, बहुत ही गहरा उसका अध्ययन था। तो एम उत्ते, ऐसा कहने के बाद चंकी ब्राह्मणो भगवंतम एतदवोच, तो चंकी ब्राह्मण ने भगवान से कहा, मा भवम गौतमो कापटिकम माणवम अपसादेसी। हे गौतम, आप कापटिक नाम के इस ब्राह्मण विद्यार्थी को टोको मत। कुलपुत्रो च कापटिको माणवो, एक कुलपुत्र है कापटिक नाम का माणव, माणव कहते हैं ब्राह्मण विद्यार्थी को, एक कापटिक नाम का माणव कुलपुत्र है। बहुसुतो च कापटिको माणवो, बहुश्रुत है। पंडितो च कापटिको माणवो, पंडित है। कल्याण वाकरणो च कापटिको माणवो, कल्याण की बात जानता है, सुवक्ता है। बहोती च कापटिको माणवो भोता गौतमेन सद्धिम अस्मिन् वचने पटिमवन्तु, ये पंडित है, सुवक्ता है, आप गौतम के साथ इस चर्चा में बातचीत कर सकता है। अथ को भगवता एतद होसि, तब भगवान के मन में ऐसा विचार आया, अद्धा को कापटिस्स माणवस ते विज्जके पावचने कथा भविष्यति, अवश्य है कापटिक माणवक तीनों वेदों में पारंगत होगा और उसके बारे में कुछ कहना चाहता होगा। तथा हिनम ब्राह्मणा संपुरे करोंती, तभी ये ब्राह्मण मुझसे बात करने के लिए इसको आगे कर रहे हैं। अथ को कापटिकस्स माणवस्स एतद होसि, तब कापटिक माणव ने ऐसा सोचा, यदा मे समणे गौतमो चक्षम उपसंहिरस्सति, अगर भगवान मुझसे आंख से आंख मिलाएंगे, अभी तो उसने उन्होंने मुझे टोक दिया है, लेकिन जब उनकी आंखें मेरी आंखों से मिलेगी, अथाहम सोमणम गतमम पन्नम पुच्छि साभि, तब मैं उनसे प्रश्न करूंगा, ऐसा कापटिक ब्राह्मण ने सोचा। अथ को भगवा कापटिकस्स माणवस्स चेतसा चेतो परिवितक्क मन्याय, तब भगवान ने उस कापटिक नाम के ब्राह्मण विद्यार्थी के चित्त में जो वितर्क जागा था उसे जान लिया, और एन कापटिको माणवो तेन चक्षुनी उपसंहासी, और अपनी आंखें उस कापटिक माणव की आंखों से मिलाई। तो फिर अथ को कापटिकस्स माणवस्स एतद होसि, तब उस कापटिक माणव के मन में ये विचार आया, समन्नाहरति खो मम श्रमणो गौतमो, ऐसा लगता है कि अब श्रमण गौतम मेरी ओर देख रहे हैं। यन्नुनाहम श्रमणम गौतमम पुनः पन्हम पुच्छेय, तो अब मैं उनसे क्यों न प्रश्न करूं। ती अथ खो कापटिको माणवो भगवंतम एतद ओच, तब कापटिक नाम के उस ब्राह्मण विद्यार्थी ने भगवान से यह कहा, यदिदं भो गौतम ब्राह्मणानं पौराणं मंतपदं इति हि तीह परंपराय पीटक संपदाय तत्थच ब्राह्मणा एकम सेन निट्ठम गच्छति इदमेव सच्चम मोघम अन्यम थी। ये जो भाई गौतम, ब्राह्मणा की जो ये इतिहास परंपरा से प्राचीन मंत्र वेद पाठ है जो कि तीन भागों में विभक्त है, उसके विषय में कुछ ब्राह्मण, सभी नहीं, कुछ ब्राह्मण यह निश्चित रूप से मान बैठे हैं कि यही सत्य है, बाकी सब व्यर्थ है। तो इसके बारे में इदम भवम गौतमो की महाति, इसके बारे में गौतम आपका क्या कहना है। तो भगवान उससे उल्टा सवाल करते हैं, किंपन भारतवाच अथिकोची ब्राह्मणानम एक ब्राह्मणोपि यो एव माह, इतने सारे ब्राह्मण इस विश्व में है, इस संसार में है, हे भारद्वाज, उन सारे ब्राह्मणों में से क्या किसी ब्राह्मण ने, एक भी ब्राह्मण ने यह कहा है कि अहमेतम जानामि
अहमेतम पस्सामी इदमेव सच्चम मोघम अन्यम, इसे मैं अपने अनुभव से जानता हूँ, इसे मैंने अपने अनुभव से देखा है, यही सत्य है और बाकी सब कुछ झूठ है। ऐसा सवाल भगवान ने उस कापटिक भारद्वाज ब्राह्मण से किया तो वो कहता है, नो हिदम भो गौतम, नहीं ऐसा कोई ब्राह्मण तो है नहीं गौतम भाई। तो भगवान कहते हैं, किंपन भारद्वाज अत्थि कोचि ब्राह्मणानम एकाचरियोपि एकाचरिय पाचरियोपि याव सप्तमा आचरिय महयुगापि यो एव माह अहमेतम जानामि अहम एतम पश्यामि इदमेव सच्चम मोघमन्यम थी। क्या भारद्वाज, है यहाँ ब्राह्मणों का कोई एक भी आचार्य या प्राचार्य? अपनी 7 पीढ़ी तक पीछे जाकर देखो कि जो यह कह सके कि मैं इसे अपने अनुभव से जानता हूँ, अपने अनुभव से मैंने इसे देखा है, यही एक सत्य है और बाकी सब झूठ है। तो उसने जवाब दिया, नो ही दम भो गौतम, नहीं भाई गौतम ऐसा भी कोई नहीं है। किंपन भारद्वाज एपीते ब्राह्मणानं पुब्बका इसयो मन्तानं तत्तारो मन्तानं पवत्तारो एसमीदं एतरही ब्राह्मणा पौराणं मन्तपदं गीतं पवुत्तं समीहितं तदनुगायन्ति तदनुभासन्ति भासीतमनुभासन्ति वाचीतमनुवाचेन्ति। तो फिर भारद्वाज, इन ब्राह्मणों के जो पूर्वज ऋषि थे, जो इन मंत्रों के रचयिता रहे हैं, जो इन मंत्रों के प्रवक्ता रहे हैं, जिनके विषय में आजकल के ब्राह्मण भी ढिंढोरा पीटते हैं कि यह सब उन्हीं लोगों का बनाया हुआ है, से यथिदम, जैसे कि अट्ठको अष्टक ऋषि, वामको वामक ऋषि, वामदेवो वामदेव ऋषि, वैश्वामित्रो विश्वामित्र ऋषि, यमतग्नि जमदग्नि ऋषि, अंगिरसो अंगिरस ऋषि, भारद्वाजो भारद्वाज ऋषि, वासिष्ठो वशिष्ठ ऋषि, कश्यपो काश्यप ऋषि, भगु भृगु ऋषि, तेपी एव माहंसु। क्या इन सारे ऋषियों में से भी किसी ने कहा है, मयमेतम जानाम मयमेतम पश्याम, इसे मैंने जान लिया, इसे मैंने देख लिया, इदमेव सच्चम मोघम अन्यन्ति, यही सत्य है और बाकी सब झूठ है। ऐसा कहा गया है अठ कथाओं में कि इन ऋषियों ने भगवान गौतम बुद्ध से पहले, जो भगवान काश्यप सम्यक संबुद्ध हुए थे, उनकी वाणी को मिलाकर, उनकी वाणी को लेकर ही ये तीनों वेद बनाए थे, लेकिन उसको वो अपने अनुभव से नहीं जानते थे, इसलिए वेदों में कहा गया है नेति नेति नेति, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। तो स्वाभाविक है कि अब जो ये कापटिक नाम का भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण विद्यार्थी है, उसे भगवान को जवाब देना पड़ा कि उन्होंने भी अनुभव नहीं किया था। नो ही दम्भो गौतम इति कीर भारद्वाज नत्थि कोचि ब्राह्मणानम एक ब्राह्मणोपि यो एव माह अहमेतम जानामि अहमेतम पश्यामि इदमेव सच्चम मोघम अन्यम्ति। तो भारद्वाज, यह सिद्ध हो गया कि ब्राह्मणों में 7 पीढ़ी तक एक भी आचार्य प्राचार्य पूर्वज ऋषि, या इस पीढ़ी में, या जो इन मंत्रों के रचयिता थे, उन ऋषियों ने भी यह नहीं जाना है, अहमेतम जानामि अहमेतम पश्यामि इदमेव सच्चम मोघमन्यम नत्थि कोचि ब्राह्मणानम एक आचरियोपि एक आचरिय पाचरियोपि याव सत्तमा आचरिय महयुगापि यो एव माह अहमेतम जानामि अहमेतम पश्यामि इदमेव सच्चम मोघम अन्यम्ति एपिते ब्राह्मणानम पुब्बका इसो मन्तानम कत्तारो मन्तानम पवत्तारो एसमीदम एतरही ब्राह्मणा पौराणम मन्तपदम गीतम पवुत्तम समीहितम तदनुगायन्ति तदनुभासन्ति भासितमनुभासन्ति वाचीतमनुवाचेन्ति सेयथिदम अट्ठको वामको वामदेवो वैश्वामित्रो यमतग्नि अंगिरसो भारद्वाजो वासिष्ठो कश्यपो भगु तेऽपि न एव माहंसु मयमेतं जानाम मयमेतं पश्याम।
इदमेव सच्चम मोघम अन्यम थी। आज के ब्राह्मण तो जाने ही दो, और फिर 7 पीढ़ी तक पीछे जाने के बाद वो ब्राह्मण भी जाने दो, या फिर जिन्होंने ये वेद मंत्र रचे वो अष्टक वामक वामदेव विश्वामित्र जमदग्नि अंगिरस भारद्वाज वशिष्ठ काश्यप और भृगु भी ये नहीं कहते कि मैंने सत्य का साक्षात्कार लिया है, मैंने सत्य को देखा है, यही सत्य है और बाकी सब झूठ है, ऐसा वो नहीं कह सकते। से यथापि भारद्वाज अंधवेणी परंपरा संसत्ता पुरीमोपि न पश्यति मज्जिमोपि न पश्यति पश्चिमोपि न पश्यति। जैसे कोई अंधों की ये चल रही हो कड़ी, क्या बोलते हैं उसे, रांग रो, ठीक है, अंधों ने एक लाइन लगा ली हो और उसमें आगे वाला भी नहीं जानता कि रास्ता क्या है, बीच वाला अंधा भी नहीं जानता कि रास्ता क्या है, और पीछे वाला जो अंधा है वो भी नहीं जानता कि रास्ता क्या है। एवमेखो भारद्वाज अंधवेण उपमम मन्ने ब्राह्मणानं भाषितं समपज्ज संपज्जति पुरीमोपि न पश्यति मज्जिमोपि न पश्यति विपच्छिमो न पश्यति। तम किं मन्यसि भारद्वाज ननु एवं संते ब्राह्मणानं अमूलिका श्रद्धा संपज्जति इति। तो जैसे कोई अंधों की पंक्ति हो, अंधों की कतार हो, जिसमें से न पहला न अंतिम न मध्यम ही मार्ग को देख पाता है, उन अंधों की पंक्ति की तरह क्या इन ब्राह्मणों का कथन भी वैसा ही नहीं है कि इनमें से किसी ने भी यह नहीं कहा है कि हम इसे भली भांति जानते हैं, अनुभव के साथ देखते हैं। तो ऐसा होने पर इन ब्राह्मणों की उन मंत्र पदों पर, वेदों पर श्रद्धा किस आधार पर है, इसका तो कोई आधार ही नहीं दिखता। तो फिर कापटिक ब्राह्मण भगवान से कहता है, नखो इत्थ भो गौतम ब्राह्मणा श्रद्धा एव पैरूपा संति अनुस्सवापेत्थ ब्राह्मणा पैरूपा संति। तो गौतम, नहीं, ऐसा नहीं है, ये ब्राह्मण इन मंत्र पदों को श्रद्धा से ही उपासना नहीं करते, अपितु इस उपासना में अनुश्रुति मतलब सुना हुआ होना ये भी एक कारण और है। तो अब भगवान उसे उल्टा सवाल करते हैं, पुब्बेव खो त्वं भारद्वाज श्रद्धम अगमासी अनुस्सवम इदानी वदेसी। पहले तू कह रहा था कि श्रद्धा से मानते हैं, अब तू कह रहा है कि सुनकर मानते हैं। पंचखो इमे भारद्वाज धम्मा दिठेव धम्मे द्विधा विपाका। भारद्वाज, ये 5 धर्म इसी जन्म में 2 तरह के फल देने वाले होते हैं। कतमे पंच, कौन से 5? श्रद्धा, रुचि, अनुस्सवो, आकार परिवित्तको, दिट्ठी निजानक खन्ति। इमे खो भारद्वाज पंचधम्मा दिट्ठेव धम्मे द्विधा उपाका। एक होता है श्रद्धा, दूसरा होता है रुचि, तीसरा होता है अनुश्रव, चौथा होता है आकार परिवितर्क, उसके बारे में सोचना, और 5वां होता है एवं दृष्टि निध्यायन शांति, अपनी दृष्टि से देखकर जो शांत हो गया। इमे खो भारद्वाज पंचधम्मा दिट्ठेव धम्मे द्विधा विपाका। तो भारद्वाज, भली भांति श्रद्धा की ये जो 5 ब्रह्म धर्म होते हैं उनकी वजह से जो है इस जन्म में 2 तरह के फल होते हैं। अपीच भारद्वाज सुसद्ध हितम एव होती तंच होती रित्तम तुच्छम मुसा। भली भांति श्रद्धा जिस पर की गई वो भी कभी कभी खाली तुच्छ और झूठ हो सकता है। नोचेपि सुसद्ध हितम होती, दूसरी तरफ भली भांति श्रद्धा न किया हुआ भी कभी कभी यथार्थ तथ्य और अर्थवान हो सकता है। अपीच भारद्वाज सुरुचितम एव होती, इसी प्रकार जिसमें हमारी रुचि है उसके बारे में भी यह कहा जा सकता है कि जिसमें रुचि की वो तो झूठ निकला और जिसमें रुचि नहीं थी वो सच निकला। उसी प्रकार जिसे हमने सुना वो हो सकता है झूठ हो और जो नहीं सुना हो सकता है वो सच हो, और जिस पर हमने अच्छी तरह से तर्क से जिसे मान लिया वो भी हो सकता है ठीक नहीं हो, और जिसे तर्क से नहीं माना वो ठीक हो, और इसी प्रकार हमारा जो दर्शन है
दिट्ठी निच्छान खंती, वो भी हो सकता है कि ठीक न हो और दूसरा ही कोई दर्शन ठीक हो। इस प्रकार भगवान ने उससे बात की और फिर भगवान कहते हैं, सक्षम अनुरक्षता भारद्वाज विन्युणा पुरिसेन नालमेत्थ एकम सेन निट्ठम गंतु इदमेव सच्चम मोघम अन्यम। इतने से सत्य की अनुरक्षा की जा सकती है, इससे सत्य अनुरक्षित रह सकता है। हम तो इसी तरह की सत्य की अनुरक्षा का प्रतिपादन करते हैं। मतलब जो भी चीज है जिसे आप श्रद्धा से मानते हो या सुनकर मानते हो या अपने रस के कारण मानते हो या विचार करने के कारण मानते हो या अपना दर्शन है इसलिए मानते हो सकता है कि वो झूठ हो या सच हो। ऐसा सोचने से ही सत्य की रक्षा हो सकती है। ये नहीं कि बस यही सत्य है और बाकी सब झूठ है, ऐसा मानने से सत्य की रक्षा नहीं होती। ये सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। ऐसा मानने पर सत्य की अनुरक्षा होगी, लेकिन क्या कहा गया, इससे सत्य का अनुबोध नहीं हो पाएगा। सत्य की रक्षा तो इससे होगी ऐसा मानने से, लेकिन सत्य की सत्य का बोध नहीं होगा। कित्तावतापन भोगो तम सच्चानुरक्षणा होती कित्तावता सच्चबुनुरक्षति सच्चानुरक्षणम मयम भवंतम गौतमम पुच्छामा। किस प्रकार सत्य का अनुरक्षण होता है और किस प्रकार सत्य की अनुरक्षा की जाती है, सत्य का अनुरक्षण मुझे बताए गौतम, मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा फिर इस भारद्वाज कापटिक ब्राह्मण ने भगवान से कहा। तो भगवान कहते हैं, श्रद्धा चेपी भारद्वाज पुरिसस्य होति एवं मे श्रद्धाति इति वदम सच्चम अनुरक्षति नत्वेव ताव एकसेन इत्थं वि गच्छति इदमेव सच्चम मोघम अन्यम्ति। श्रद्धा से किसी बात पर विश्वास रखते भी हो तो भी ऐसा सोचो कि मैं जिस पर श्रद्धा कर रहा हूँ ये सच भी हो सकता है लेकिन झूठ भी हो सकता है। ऐसा मत सोचो कि यही सत्य है बाकी सब झूठ है। रुचि चेपी भारद्वाज पुरिसस्य होती अनुस्व चेपी भारद्वाज पुरिसस्य होती आकार परिवित्तको चेपी भारद्वाज पुरिसस्य होती दिट्ठि निच्छान खंती चेपी भारद्वाज पुरिसस्य होती एवं मे दिट्ठि निच्छान खत्ती इदिवतम सच्चम अनुरक्षति नत्वेव ताव एकसेन निट्ठम गच्छन्ति इदमेव सच्चम मोघम अन्यम थि। तो जिस किसी बात में भी श्रद्धा रखते हो, रुचि रखते हो या फिर वितर्क से उसे मानते हो या दर्शन के कारण मानते हो, उन सब में ये सोचो कि ये सच भी हो सकता है या झूठ भी हो सकता है। ऐसा मत सोचो कि यही सत्य है और यह बाकी सब झूठ है। ऐसा करने से एवतावताखो भारद्वाज सच्चानुरक्षणा होती एतावता सच्चम अनुरक्षति एतावता च मयम सच्चानुरक्षणम पन्यापेमम न त्वेव ताव सच्चानुबोधो होती। ऐसा होने से क्या होगा, सत्य का रक्षण होगा, मतलब और भी आप सत्य की ओर जाने के लिए आपका मार्ग खुला रहेगा, लेकिन इतने से सत्य का बोध नहीं होगा। तो सत्य का बोध कैसे होगा, इसके बारे में फिर कापटिक मानव भगवान से पूछते हैं। एतावता भो गौतम सच्चानुरक्षणा होती एतावता सच्चम अनुरक्षति एतावता च मयम सच्चानुरोक्षणम पेक्षाम। हाँ बिल्कुल, इससे सत्य का रक्षण जरूर होगा और मैं भी देखता हूँ कि इससे जरूर सत्य का रक्षण होगा। कित्तावतापन भो गौतम सच्चानुबोधो होती, फिर किस से सत्य का अनुबोध होगा, कित्तावता सच्चमनु बुझ्यति और किससे, किसी जो सत्य को जानना चाहता है वो सत्य को जान पाएगा। सच्चानुबोधम मयम भवंतम गौतमम पुच्छामाति। तो हे गौतम, अभी मैं आपसे पूछता हूँ इस सत्य का बोध कैसे किया जाए। तो फिर भगवान अभी उसे बताते हैं कि सत्य का बोध कैसे किया जाए। इद भारद्वाज भिक्खु अन्यतरम
गामम वा निगमम वा उपनिषाय विहरति। हे भारद्वाज, कोई भिक्षु किसी एक ग्राम के पास या किसी एक शहर के पास रहता है। तमेनम गहपति वा गहपति पुत्तो वा उपसंकमित्वा तीसु धम्मेसु समन्ने सति लोभनीयेसु धम्मेसु दोषनीयेसु धम्मेसु मोहनीयेसु धम्मेसु। तो भारद्वाज, वहां पर कोई जो गृहस्थ है या गृहस्थ का पुत्र है, उस भिक्षु की परीक्षा करने जाए कि उस भिक्षु को किसी लोभनीय, द्वेषनीय या फिर किसी मोहनीय धर्म ने पकड़ के तो नहीं रखा है। मतलब कोई सन्यासी अगर आपके गांव में आता है तो गृहस्थों को जाकर जांचना चाहिए कि क्या वो लोभ वाला है या द्वेष वाला है या मोह वाला है। अथिनुखो इमस्सा यस्मतो तथा रूपा लोभनीया धम्मा यथा रूपे ही लोभनीये ही धम्मे ही परियादिन्न चित्तो अजानम वा वदेय जानामीति अपस्सम वा वदेय पस्सामीति परमवा तदत्थाय समादप्पेय यम परेशम अस्स दिग्घरत्तम अहिताय दुखायाति। जिसके कारण इसका चित्त लोभ वाले धर्मों में बद्ध होकर न जानी हुई बात को भी जानता हूं ऐसा कह दे, या न देखी हुई बात को देखता हूं ऐसा कह दे, या फिर वह दूसरों को ऐसा उपदेश करे कि जिस पर आचरण करने के बाद उसके लिए दीर्घ काल तक अहित कर या दुख कर हो। तमेनम समन्ने समानो एवं जानाति नत्थिको इमस्सा यस्मतो तथा रूपा लोभनीया धम्मा यथा रूपे ही लोभनीये ही धम्मे ही परियादिन्न चित्तो अजानम वा वदेय जानामीति अपसम वा वदेय पस्सामीति परम वा तदत्थाय समादपेय यम परेशम अस्स दिघरत्तम अहिताय दुखाय। अंत में वह जो गृहस्थ जांचने के लिए गया है या गृहस्थ का पुत्र जांचने के लिए गया है, उस भिक्षु को जांच करता हुआ यह पाले कि इस भिक्षु में ऐसा कोई लोभ नहीं है जिसके कारण वो ये सब झूठी बातें कहता हो या ऐसी बातें करता हो जो कि उसके लिए हित अहित करने वाली और दुख देने वाली हो। तथा रूपो खो पनिमस्साय स्मतो काय समाचारो तथा रूपो वची समाचारो यथा तम अलुद्धस्। इसका जो कायिक आचरण है इस भिक्षु का और इसका जो वाणी का व्यवहार है ऐसा है जैसा कि किसी अलोभी का हो, जिसमें लोभ नहीं है वैसा वाला हो। यम खोपन अयमायस्म धम्मम देसेति गंभीरोसो धम्मो दुद्दसो दुरनुबोधो संतो पणितो अतक्कावचरो निपुणो पंडित वेदनीय नोसो धम्मो सुदेशीय लुद्धेनाथो। उस तरह उपदेश करना, ये आयुष्मान जिस तरह धर्म का उपदेश कर रहे हैं उस तरह का उपदेश देना किसी लोभी पुरुष के लिए बहुत दुष्कर नहीं है क्या? क्योंकि यह धर्म गंभीर, दुर्बोध, शांत, प्रणीत, तर्क से अप्राप्य, निपुण एवं पंडितों द्वारा ही बोध है। तो इस प्रकार जांच कर ले किसी भी सन्यासी की, क्या वो लोभी तो नहीं है। उसके बाद यतोनम समन्ने समानो विशुद्धम लोभनीये ही धम्मे ही समनुपस्सति ततोनम उत्तरी समन्ने सति दोषनीयेषु धम्मेषु। इस प्रकार जब पता चल गया कि इसको किसी चीज के प्रति लोभ नहीं है, लोभ में अटका हुआ नहीं है, तो फिर इसकी भी जांच कर ले कि इसमें कोई द्वेष तो नहीं है। अथिनो खायो इमस्सा इस्मतो तथा रूपा दोषनीया धम्मा यथा रूपे ही दोषनीये ही धम्मे ही परियादिन्न चित्तो अजानम वा वदेय जानामीति अपस्सम वा वदेय पस्सामीति परम वा तदत्थाय समादपय परेशम अस्स दिघरत्तम अहिताय दुखायाति। द्वेष के कारण भी हो सकता है कोई सन्यासी यह कह दे, जो चीज जानता नहीं है वो मैं जानता हूं कह दे, जो चीज देखी नहीं है वह मैं देखता हूं ये कह दे, और ऐसा कोई उपदेश कर दे जो कि उसके लिए अहित करने वाला हो, दुख देने वाला हो। तमेनम समेन समानो एव जानाति नत्थिको इमस्सा इस्मतो तथा रूपा दोषनीया धम्मा यथा रूपे ही दोषनीये ही धम्मे ही परियादिन्न चित्तो अजानम वा वदेय जानामीति अपस्सम वा वदेय पस्सामीति परम वा तदत्थाय समादपेय यम परेशम अस दिग्घरत्तम अहिताय दुखाय। तो इस प्रकार का
कोई भी भाषण वो द्वेष के लिए नहीं करता, झूठ नहीं बोलता द्वेष की वजह से, यह देख ले, और फिर द्वेष की वजह से वो सन्यासी ऐसा कोई उपदेश नहीं करता जिससे कि उसका ही अहित हो और उसको ही दुख हो, ये भी देख ले। फिर तथा रूपो को पनिमस्साय स्मतो काय समाचारो तथा रूपो वची समाचारो यथातम अदुठस। इस प्रकार जांच करने के बाद ये देख ले कि किसी द्वेषी व्यक्ति को क्या ऐसा उपदेश करना संभव है। यम खोपनायस्मा धम्मम देशेति गंभीरोसो धम्मो दुद्दसो दुरनुबोधो संतो पणितो अतक्कावचरो निपुणो पंडित वेदनीयो न सो धम्मो सुदेशिया दुठे नाति। किसी दोषी व्यक्ति को जो पंडितों द्वारा जानने योग्य धर्म है उस धर्म का उपदेश देना दुर्लभ है। उसके बाद फिर जो बात लोभ और द्वेष के बारे में कही गई वही बात अब मोह के बारे में। यतो नम समन्ने समानो विशुद्धम दोषनीये ही धम्मे ही समनुपस्सति ततो नम उत्तरी समन्ने सति मोहनीयेषु धम्मेषु। द्वेष के बाद यह भी जानो कि उसमें कहीं मोह है क्या। अथिनुखो इमस्साय स्मतो तथा रूपा मोहनीया धम्मा यथा रूपे ही मोहनीये ही धम्मे ही परियादिन्न चित्तो अजानम वा वदेय जानामीति अपस्सम वा वदेय पस्सामीति परम वा तथाय समादपेय यम परेशम अस दीघरत्तम अहिताय दुखायति तमेनम समन्ने समानो एवं जानाति नत्थिको इमस्साय स्मतो तथा रूपो मोहनीयो धम्मा यथा रूपे ही मोहनीये ही धम्मे ही परियादिन्न चित्तो अजानम वा वदेय जानामीति अपसम वा वदेय पस्सामीति परम वा तदत्थाय समादपेय एवं परेशम अस्स दिग्गरतम अहिताय दुखाय तथा रूपो खोपनिमस्साय स्मतो काय समाचारो तथा रूपो वची समाचारो यथा तम अमूढ़स्स यम खोपन अयमायस्मा धम्मम देशेति गंभीरोसो धम्मो दुद्दसो दुरनुबोधो संतो प्रणीतो अतक्का वचरो निपुणो पंडित वेदनीयो न सो धम्मो सुदेशियो मूढ़े नाति। तो जो मोह में होगा उसको भी यह संभव नहीं होगा कि वो अच्छी तरह से धर्म उपदेश करे, और मोह के कारण उस गृहस्थ को या गृहस्थ पुत्र को जो उस सन्यासी को भिक्षु को जांचने गया है देखना चाहिए कि क्या वो मोह की वजह से झूठ तो नहीं बोलता, क्या वो मोह की वजह से जो देखा नहीं है उसे देखा हुआ तो नहीं कहता, क्या मोह की वजह से अपने आप का अहित करने वाला उपदेश तो नहीं देता। ये मोह क्या है? लोभ तो हम सब समझते हैं, द्वेष भी हम समझते हैं। मोह किसे कहा गया? मोह अज्ञान को कहा गया है, सच्चाई के अज्ञान को। और ये कौन सा सच है? और अनात्म वाला सच, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये एक सच्चाई है। और जो इस सच्चाई से दूर है उसे कहा गया है, उस सच्चाई से दूर रहने को, उस सच्चाई को नहीं जानने को मोह कहा गया है। और फिर जब वो गृहस्थ या गृहस्थ पुत्र उस सन्यासी को जानता है, देख जांच कर देखता है, तो वो देखता है कि इसमें मोह नहीं है। मोह नहीं है तो वो पटिच्च समुपाद को, जो दुखों के कारणों की श्रृंखला है, दुख के कारणों का सिलसिला है, उसकी कड़िया है, उसको देख पाता है। और भगवान जो कह रहे हैं यहाँ पर कि वो अच्छी धर्म से धर्म को नहीं देख पा सकता जो मोह में है, उसके लिए ही कह रहे हैं कि जो प्रतित्य समुपाद है उसका सत्य वो देख नहीं पाता। जो मोह में है वो उसे अच्छी तरह से पढ़ा नहीं सकता। कुछ कुछ परंपराओं में लोभ द्वेष और मोह को तीन जहर कहा गया है। और सभी जानते हैं कि लोभ क्या है और द्वेष क्या है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता कि मोह क्या है। आप अगर किसी किसी को पूछोगे कि मोह क्या है तो ठीक तरह से जवाब नहीं दे पाते, लोभ को ही मोह कह देते हैं। जो आत्मबोध है, जिसे हम किसी भी चीज को, जिसकी वजह से हम मैं मेरा समझते हैं, ये मैं मेरे का जो
अज्ञान है वही मोह है। और ये ध्यान में रखो कि जब भी आप सिर के तान तनाव को ढीला करते हो तो आप उस मोह को जाने दे रहे हो, क्योंकि जब आप पसम भयम काय संखारम करते हो, उस तनाव को ढीला करते हो, तो उस समय मन एकदम स्वच्छ हो जाता है और उसमें बहुत अच्छी जागरूकता आती है, लेकिन उसमें मैं का भाव नहीं होता, वह एक शुद्ध जागरूकता होती है। और जो उपादान होता है जिस किसी भी चीज के प्रति आपकी तृष्णा होती है, वेदना के प्रति ही तृष्णा जागती है, किसी न किसी इंद्रिय के विषय के प्रति जो संवेदना हमारे अंदर जागती है उसके प्रति ही तृष्णा जागती है। और उस तृष्णा को मैं क्यों चाहता हूँ और क्यों नहीं चाहता हूँ, इसके बारे में जो विचार हमारे मन में चलते हैं, जो संकल्पनाएं, मत मतांतर, कहानियां हमारे मन में हम करते हैं, जो विचार करते हैं, वही हमारा उस वेदना के प्रति, उस तृष्णा के प्रति चिपकाव है, उसे ही उपादान कहा जाता है। जिससे हम कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत ठीक है, इसी में मैं विश्वास करता हूँ, यही मैं चाहता हूँ, यही मैं नहीं चाहता हूँ, ऐसी सोच, यही उपादान है। हो सकता है तुम्हारी सोच सही हो या ठीक हो, लेकिन आप उसे मैं मेरा जानते हो। और जब आप पसम भयम काय संखारम, पसम भयम चित्त संखारम करते हो, तो आपका उपादान चला जाता है और एक शुद्ध चित्त के साथ उसे देख सकते हो। जैसे आगे जाकर कोई अरहंत उस शुद्ध चित्त के साथ हर चीज को देख सकता है, उसी तरह उस एक क्षण में जब आप पसम भयम काय संखारम, पसम भयम चित्त संखारम करते हो, तो उस एक क्षण में शुद्ध चित्त से ही आप चीजों को देख पाते हो। जब आप तृष्णा को जाने देते हो, पसम भयम कर देते तो उसके बाद उपादान नहीं जागता। और क्योंकि उपादान नहीं जागता तो भव नहीं जागता, और क्योंकि भव नहीं जागता तो आगे की जो प्रक्रिया होती है, भव पच्चया जाति, जाति पच्चया जरा मरणम दुख दोमनस उपायासा संभवंती, वो भी नहीं जागता। इसलिए तृष्णा बहुत महत्वपूर्ण बात है और उसके बारे में बार 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 सूत्रों में बताया गया है कि तृष्णा को दूर करना है, तृष्णा को दूर करना है। और तृष्णा और उपादान, वेदना तृष्णा उपादान, इसके बीच जो उसका जो संपर्क है एक दूसरे से, एक से आधार पर दूसरे से वो उत्पन्न होती है, उसे हम पसम भयम काय संखारम करके ही उसे छुटकारा पा सकते हैं। और जब तृष्णा जागती है किसी संवेदना पर, उसी समय मैं और मेरे का भाव प्रकट होने शुरू हो जाता है और उपादान में वो और गहरा हो जाता है, और फिर भव में हम उसके ऊपर प्रतिक्रिया करने की आदत बना लेते हैं। ये भव शब्द, उसे बिकमिंग बिकमिंग भी कहा गया अंग्रेजी में, लेकिन मैंने ऊ शिलानंद, जो बहुत ही बड़े त्रिपिटक के पंडित थे, उनसे कई बार चर्चा की और फिर उन्होंने भी माना कि भव शब्द का एक अर्थ ये भी है कि हमारी जो बार बार प्रतिक्रिया करने की आदत होती है। इसीलिए, क्योंकि इस तृष्णा को हम वेदना के आधार पर जो तृष्णा जागती है उसको हम पसम भयम करके कमजोर कर सकते हैं, इसीलिए इस तृष्णा को इस पूरे प्रतीत समुपाद में सबसे कमजोर कड़ी माना गया है। क्योंकि अगर तृष्णा को क्षीण किया जाए तो मैं मेरे का भाव हम वहीं पर रोक सकते हैं, और वहीं शुद्ध चित्त, शुद्ध जागरूकता, जो कि चीजों को एकदम स्पष्ट रूप से देख सकती है, उसे जान सकते हैं। ये जो तीन लक्षण बताए जाते हैं, अनित्य, दुख और अनात्म, वो हम इस प्रतीत समुपाद में अपने आप देखने लगते हैं। जब हम प्रतीत समुपात देख रहे हैं तो अपने आप उसकी हर किड़ी जो है वो उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, उसका कारण उत्पन्न हो रहा है और कारण का परिणाम उत्पन्न हो रहा है। अगर हम कारण को नष्ट करेंगे तो
तो परिणाम उत्पन्न नहीं होगा, अगर तृष्णा नहीं होगी तो फिर दुख उत्पन्न नहीं होगा, ये भी हम प्रकृति समुपात को देखते हुए जान लेते हैं। और जब तृष्णा थोड़ी सी भी होती है तो थोड़ा सा भी तो दुख वहाँ जागता ही है, जैसे ही मैं जागता है तो दुख जागता है, और उससे हमारे अनुभव में कुछ बादल छा जाते हैं। जैसे किसी ने मुझे फोन किया और ऐसी कोई बात बता दी जो मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता, तो मेरे मन में क्रोध जागता है। क्रोध जागता है तो क्या होता है, हमारी प्रतिक्रिया करने की आदत जागती है, जो हमारे मन में मन ने बनाई हुई है संसार के हर चीज को देखने के बाद। तो जब क्रोध जागता है तो हम वर्तमान क्षण से दूर हो जाते हैं और उसकी वजह से दुख जागता है। इसलिए मैं मुस्कुराने पर भर इसलिए देता हूं कि मुस्कुराने से आपका जो मैं मेरे का भाव है वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है, और उस संवेदना को मेरी संवेदना कहने के बजाय, मेरी संवेदना समझने के बजाय, आप सिर्फ इतना ही कहोगे, ओ बस यह एक दुखद संवेदना है, बस इतना ही। और इसकी वजह से, मुस्कुराने की वजह से आपका मन जो है खुला रहता है और हल्का रहता है। और फिर ये जो गृहस्थ या गृहस्थ का पुत्र है वो उसे जांचने गया है, और जांच करने के बाद देखता है, क्या देखता है, यतोनम समन्ने समानो विशुद्धम मोहनीये ही धम्मे ही समनुपसति अथ तम ही सद्धम निवेशेति सद्धा जादो उपसंकमति उपसंकमतो पैरूपासति पैरूपासंतो सोतम ओदहति ओहित सोतो धम्मम सुनाति सुतवा धम्मम धारेति ततानम धम्मानम अत्थम उपपरिखति अत्थम उपपरिखतो धम्मो निज्जानम खमन्ति धम्म निज्जान खन्तिया सति छन्दो जायति छन्द जातो उत्सहति उत्सहित्वा तुलेति तुलयित्वा पदहति पहितत्तो समानो कायेन चेव परम सच्चम सच्ची करोति पन्यायचनम अतिविज्ज पश्यति एतावत्ताखो भारद्वाज सच्चानुबोधो होति एतावता सच्चम अनुबुज्झति एतावत्ता च मयम् सच्चानुबोधम् पन्यापेम न त्वेव ताव सच्चानुपत्तति होति इति। तो ऐसे भारद्वाज सत्य का बोध होता है। कैसे होता है, जब जांच करते करते जब हम उस सन्यासी को पाते हैं कि वो लोभ से दूर है, द्वेष से दूर है, मोह से दूर है, तब उस भिक्षु में उसकी श्रद्धा होती है, वह श्रद्धालु होकर उस भिक्षु के पास जाता है, पास जाकर उसकी सेवा करता है, सेवा करके उसके उपदेश में अपने मन को एकाग्र करता है, फिर अपने मन को उसके उपदेश में लगाकर उसका धर्म का उपदेश सुनता है, सुनकर उस धर्म को धारण करता है, धारण कर धर्म के अर्थ की परीक्षा करता है, क्योंकि अर्थ परीक्षित धर्म ही ध्यान करने योग्य बनाते हैं। धर्म के ध्यान योग्य होने से उसमें रुचि उत्पन्न होती है, छंद उत्पन्न होता है, उसका शौक है ना। आज भी हम शौक के अर्थ में छंद शब्द का उपयोग करते हैं। रुचि से उसमें उत्साह की प्रवृत्ति जागृत होती है, उत्साह से करते वह उसका उत्थान करता है, मतलब उसकी तुलना करता है। तुलयित्वा पदहति, तोलन करते करते अकुशल कर्मों का त्याग करता है, और अशुकल कर्मों का प्रदहन, मतलब उसको जलाते समय अकुशल जो भी हमारे अंदर बुरी चीज है वो जलाई जाती है, उसके जलाते समय वह अपने इसी जीवन में परम सत्य का साक्षात्कार कर लेता है। इस प्रकार फिर से एक बार सुनो, क्योंकि यह सब प्रक्रिया कैसी होती है। जैसे कोई गृहस्थ उस साधु को जांचता है कि इसमें लोभ नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, तो गृहस्थ के मन में उस साधु के प्रति श्रद्धा जागती है, और श्रद्धालु होकर वह उस साधु के पास जाता है,
और पास जाकर उस साधु की सेवा करता है और सेवा करके उस साधु के उपदेश में अपने मन को लगाता है और अपने मन को लगाकर उसका धर्म का उपदेश सुनता है और सुनकर उस धर्म को धारण करता है और धारण कर उस धर्म के अर्थ की परीक्षा करता है। और परीक्षा करता है उसका मतलब क्या है? उस साधु ने जो धर्म सिखाया है वो बहुत ही सीधा साधा है और बहुत ही सटीक है और वो हर चीज को बताने वाला है। जैसे ही आप भगवान के धर्म को सुनते हो और उसका अभ्यास करते हो और फिर सूत्रों को पढ़ते हो, आह क्या भगवान की वाणी है, कितना स्पष्ट। इसीलिए जब मैं इस मज्झिम निकाय की पुस्तक को लेकर सयाम की उस गुफा में चला गया तो गया था केवल 2 हफ्तों के लिए और बार 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 मैं इस मज्झिम निकाय को पढ़ता और उसके अनुसार ध्यान करता और जैसा भगवान ने कहा है वैसी ही अनुभूति मुझे होती। तो 2 हफ्ते कब चले गए पता नहीं चला और 3 महीने तक मैं वहां रहा और उसके आगे भी उस गुफा में मैं अकेला इस मज्झिम निकाय के सूत्रों का अध्ययन और प्रात्यक्षिक करते हुए रहना चाहता था, लेकिन मुझे वापस बुलाया गया। तो इस प्रकार से वह जो गृहस्थ है उस भिक्षु द्वारा सीखी हुई साधना का अभ्यास करने लगता है और उसमें उसे शौक उत्पन्न होता है, शौक से उत्साह उत्पन्न होता है, उत्साह से वो तुलना करता है अलग अलग चीजों की, कुशल और अकुशल कर्मों की, और तुलना करते समय फिर जो अकुशल धर्म अपने अंदर है उसको वो जलाता है और जलाते जलाते एक दिन निर्वाण का साक्षात्कार कर लेता है और उसे बींद बींद कर देखता है और भारद्वाज इतने लंबे क्रियाकलाप से सत्य बोध हो पाता है, सत्य तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन अभी वो सोतापन नहीं बना है, अभी वो पूरी तरह से अरहंत नहीं बना है। तो फिर उसे ये नहीं कह सकते कि उसने पूरी तरह से सत्य को प्राप्त कर लिया है, ठीक है। तो फिर ये जो कापाटिक ब्राह्मण विद्यार्थी है जो भगवान से सवाल जवाब कर रहा है तो वो भगवान से कहता है, भो गौतम सत्य बोध इतने से होता है, इतने से सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है, इतने से हम भी सत्यानुबोध मानते हैं। एतावता भो गौतम सच्चानुबोधो होति, एतावता सच्चम अनुबुज्यति, एतावता च मयम सच्चानुबोधम पेक्काम, परंतु भो गौतम इतावतापन भो गौतम। इस सत्य की प्राप्ति कैसे होती है, मतलब जो अब अर्हत वह है उसे कैसे प्राप्त करते हैं। कितावता सच्चम अनुपापुणाति, कितना करने से सत्य की प्राप्ति हो सकती है। सच्चानुपत्तिम वयम भवतम गौतम हम पुच्छामाति, इसी बात को भो गौतम हमें आपसे पूछना है। तो फिर अब बातें आगे चल पड़ी। तेसम एवं भारद्वाज धम्मानम आसेवना भावना बहुलिकमम सच्चानुपति होती। भारद्वाज ये अभी तक जो किया उन्हीं धर्मों को बार बार करने से, उनको उनमें बढ़ाने से सत्य की प्राप्ति होती है। तो ये जो सम्यक व्यायाम का अभ्यास हम बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, उसी से पहली बार निर्वाण का साक्षात्कार होगा और उसी से आगे जाकर अर्हत्व तक भी आप पहुंचोगे। क्योंकि जब आपने इस सिर के तान तनाव को ढीला कर रहे हो, पसम भयम काय संखारम, पसम भयम चित्त संखारम कर रहे हो, और जैसे ही कोई तृष्णा मन में जागी हुई दिखाई देती है तुरंत आप उसी समय पसम भयम चित्त संखारम, पसम भयम काय संखारम करोगे,
तो तृष्णा जागना धीरे धीरे बंद ही हो जाएगा। विनेय लोके अभिज्ञा दो मनस्सम, जैसे ही कोई मन में विचार आया उसे छोड़ दिया। फिर प्रसम भयम काय संखारम, सिर के तान तनाव को ढीला कर दिया और फिर वापस उसी ध्यान के आलंबन के प्रति मुस्कुराते हुए आप वापस आते हो। और उससे क्या होता है कि अगर आप सांस का ध्यान कर रहे हो, समझो आनापान सति में आप ये सम्यक व्यायाम कर रहे हो, तो सांस इतनी छोटी 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 हो जाती है और उसमें भी आप छोटी 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 बहुत सारी छोटी वेदनाओं को देखते हो, वो और सूक्ष्म हो जाती है। जैसे तैसे आप गहरे हो जा गहराई में चले जाते हो, वेदनाएं इतनी सूक्ष्म हो जाती है, तो फिर ऐसा लगता है कि संज्ञा है या नहीं है उसके ऊपर। तो ये ना नैव संज्ञा ना संज्ञायतन की अवस्था में हम पहुंच जाते हैं कि उसमें हम पहचान ही नहीं सकते कि वहां तान तनाव है भी या नहीं। वहां पर थोड़ा सा होता है लेकिन आप उसे पकड़ नहीं पाते जैसे पहले पकड़ पाते थे। और जब आप नैव संज्ञा ना संज्ञायतन ध्यान के बाहर आते हो, तो फिर आप विचार करते हैं कि जब हम उस स्थिति में थे तो उसमें थोड़ा सा तनाव था और फिर उसमें थोड़ा सा और प्रसम भयम काय संखारम, प्रसम भयम चित्त संखारम करने की जरूरत है। जो लोग ये सम्यक व्यायाम ये प्रसम भयम स्टेप का अभ्यास नहीं कर सकते, वो सांस में सांस के साथ ही तल्लीनता समाधि में चले जाते हैं और उन्हें लगता है कि अभी सांस है ही नहीं। लेकिन अगर हम अनुपद सत्त को पढ़े तो सांस के साथ अभी भी उसमें जो पांच स्कंद है वो अरूप ध्यान में फिर भी उपस्थित रहते हैं। मतलब वहां अभी भी इंद्रियों का विषयों के साथ स्पर्श है और अभी भी सांस वहां पर है और सांस के साथ वो शरीर का स्पर्श हो रहा है। और सांस जब हम सम्यक व्यायाम के साथ सांस का आनापान का ध्यान कर रहे हैं तो प्रसम भयम काय संखारम यह चीज करने के लिए सांस हमें याद देने का एक साधन है। फिर वो इतना सूक्ष्म हो जाता है जब हम गहराई में चले जाते हैं कि उसे पकड़ना कठिन हो जाता है। जब भी वो पकड़ में आता है और देखते हैं कि कोई विचार मन में जाग रहा है तो उसे उस स्थिति से बाहर आने के बाद नए वसन्या ना वसन्या के आने के आने के बाद फिर आप असम भयम काय संखारम की अभ्यास कर सकते हैं। और जैसे ही कोई विचार जागने लगता है, मन में कोई हलन चलन होती है, तो आप उसे उसमें पकड़ पाते हो और तुरंत उसे प्रसम भयम कर देते हो। तो इससे क्या होगा कि तृष्णा इतनी क्षीण हो जाएगी, इतनी क्षीण होगी कि झट से एक में एक क्षण में एकाध क्षण में निर्वाण का साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए हमें इस प्रसम भयम काय संकारम को आदत को ऐसा इतना बढ़ाना है कि वो हमारा स्वभाव बन जाए। आगे भगवान कहते हैं एतावता भो गौतम सच्चानुपत्ति होती, एतावता सच्च मनुपा पुणाति, एतावता च मयम सच्चानुपत्तिं पेक्षाम, सच्चानुपत्ति यापन भो गौतम कतमो धम्मो बहुकारो, सच्चानुपत्ति या बहुकारम धम्मम मयम भवतम गौतम पुच्छामाति। ये भगवान नहीं कह रहे, ये भारद्वाज गोत्र का वह ब्राह्मण विद्यार्थी भगवान से पूछ रहा है। इतने से भो गौतम सत्य प्राप्ति होती है, इसे मैं भी देख पाता हूँ, लेकिन सत्य प्राप्ति में कौन से धर्म सबसे अधिक उपकारी होते हैं, सहायक होते हैं, हम आपसे
यह जानना चाहते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा प्रश्न उसने भगवान को पूछा कि कौन कौन से घटक है जो सत्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। तो भगवान उसे कहते हैं, सच्चानुपत्ति आखो भारद्वाज प्रधानम बहुकारम। सत्य की प्राप्ति में है भारद्वाज, प्रधान मतलब जो सम्यक व्यायाम है, जो राइट एफर्ट है, वह बहुत सहायक होता है। नो चेतम पदहेय नैदम सच्च मनु पापुणेय। अगर सम्यक व्यायाम साथ में नहीं होगा, ये प्रधान साथ में नहीं होगा, तो सत्य को भी आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। यस्मा चखो पदहति तस्मा सच्च मनु पापुणाति। क्योंकि जब वह भिक्षु प्रयत्न करता है, इसीलिए सत्य को पा लेता है। तस्मा सच्चानुपत्तिया पधानम बहुकारम थी। इसलिए सत्य की प्राप्ति में जो है प्रधान, ये सम्यक प्रणिधान जिसे कहते हैं, चार सम्यक व्यायाम, चार सम्यक व्यायामों को हमने बार बार सुना है कि अच्छे धर्मों को जो अंदर है उन्हें बढ़ावा दो, और अच्छे धर्म जो अंदर नहीं है उन्हें फिर बाहर से ले आओ, और अंदर जो बुरे धर्म है उन्हें बाहर करो, और अंदर जो बुरे धर्म नहीं है उन्हें अंदर मत आने दो। तो जब हम ये सम्यक व्यायाम करते हैं, मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने को बढ़ाते हैं, मंगल मैत्री को बढ़ाते हैं, तो अच्छे धर्म को बढ़ा रहे हैं। अगर मुस्कुरा नहीं रहे हैं तो हमारे अंदर अच्छा धर्म नहीं है, और अच्छे धर्म को वापस ले आते हैं मुस्कुराने के साथ। फिर बुरे धर्म जो बुरे विचार है उनको हम रिलीज कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, और फिर जो बुरे धर्म नहीं है उन्हें अंदर आने नहीं देते। इस प्रकार यह सम्यक व्यायाम सत्य की प्राप्ति में बहुत अच्छा है। तो आगे फिर वो पूछता है, क्या पूछता है, पधानस्स पन भो गौतम कतमो धम्मो बहुकारो पधानस्स बहुकारम धम्मम मयम भवत्तम गौतम उच्छामाति। यह सम्यक व्यायाम करने में कौन सा धर्म हमें सहायक पड़ता है? तो भगवान कहते हैं, पधानस्स खो भारद्वाज तुलना बहुकारा। तुलना मतलब कौन सा धर्म कुशल है और कौन सा धर्म अकुशल है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। अगर हमें ये पता ही न हो कि कौन सा धर्म कुशल है और कौन सा धर्म अकुशल है, तो हम किस धर्म को जाने देंगे और किस धर्म को बढ़ाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि इस सम्यक व्यायाम में तुलना जो है कुशल और अकुशल की, ये सहायक होती है। नो चेतम तुले ये नई दम पदहे, अगर तुलना ही नहीं होगी तो हम उसे नहीं कर पाएंगे। तुलना के साथ ही हम ये सम्यक व्यायाम कर सकते हैं। तस्मा यस्मा चखो तुलेति तस्मा पदहति तस्मा पधानस्स तुलना बहुकाराति। तो ये जो जांचना है कुशल क्या है और अकुशल क्या है, इससे ही हम सम्यक व्यायाम कर सकते हैं। तो आगे वह ब्राह्मण भगवान से पूछता है, तुलनाय पन भो गौतम कतमो धम्मो बहुकार तुलनाय बहुकारम धम्मम मयम भवंतम गौतमम पुच्छामाति। इस तुलना के लिए, यह तुलना अच्छी हो, इसके लिए कौन सा धर्म उपयोगी है? तुलनाय खो भारद्वाज उत्साहो बहुकारो नो चेतम उत्सहेय नैदम तुलेय यस्मा चखो उत्सहति तस्मा तुलेति तस्मा तुलनाय उत्साहो बहुकारोति। तो ये कुशल और अकुशल की तुलना करने के लिए मन में उत्साह होना चाहिए, मन में उसके प्रति रुचि होनी चाहिए, तभी तो हम उस तुलना करेंगे। फिर भगवान से वो पूछता है, उत्साहस्सपन भो गौतम कतमो धम्मो बहुकारो उत्साहस्स बहुकारम धम्मम मयम भवत्तम गौतमम पुच्छामीति। यह उत्साह जगाने के लिए कौन सी चीज जरूरी है? यह वह भारद्वाज गोत्र का कापाटिक ब्राह्मण विद्यार्थी भगवान से पूछता है। तो भगवान उसे बताते हैं, उत्साह सको भारद्वाज छंदो बहुकारो नो चेतम छंदो जायेथ नैदम उत्सहेय यस्मा चखो छंदो जायतो तस्मा उत्सहति तस्मा उत्साहस्स छंदो बहुकारोति। तो धर्म को हम हमारे शौक की तरह, एक हमारी हॉबी, एक हमारा छंद, इस तरह धर्म को हमें लेना चाहिए। हमें उस चीज का
क्या बोलते हैं, पागल हो जाता है कोई आदमी किसी चीज में, ठीक है। उस प्रकार हमें धर्म में धर्म का छंद होना चाहिए, उसके प्रति हमारा लगाव होना चाहिए। अगर लगाव होगा धर्म के प्रति तो धर्म के प्रति उत्साह जागेगा, नहीं तो नहीं जागेगा। तो यह लगाव होने के लिए, छंद होने के लिए धर्म के प्रति क्या होना चाहिए? छंदस्य पन भो गौतम कतमय धम्मो बहुकारो, छंदस्य बहुकारम धम्मम मयम भवंतम गौतमम पुच्छामी थी। फिर ये कापटिक भगवान से प्रश्न करता है कि छंद में कौन सी चीज सहायक है? तो भगवान कहते हैं, छंदस्य को भारतवाच धम्म निजान खन्ति बहुकारा, नो चेते धम्मा निज्जानम खमेयुम नईदम छंदो जायेथ यस्मा चखो धम्मा निज्जानम खमंती तस्मा छंदो जायती तस्मा छंदस्य धम्म निज्जान खन्ति बहुकाराति। तो जब तक हम उसे अपने ध्यान से, मतलब जो भी धर्म हमको हमारे आचार्य सिखा रहे हैं, उसको ठीक तरह से नहीं सुनेंगे और उसका ठीक तरह से अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हमें धर्म का शौक, धर्म का छंद, धर्म के प्रति लगान नहीं हो सकता। तो ये धर्म को अच्छी तरह से जानना, धर्म को अच्छी तरह से सुनना, ये कब होगा? धम्म निच्छान खन्ति यापन भो गौतम कतमो धम्मो बहुकारो, धम्म निच्छान खन्ति या बहुकारम धम्ममयम भवंतम गौतमम पुच्छामि थी। यह धम्म निच्छान खन्ति, धर्म का अध्ययन कब होगा? तब भगवान कहते हैं, धम्म निज्जान खन्ति आखो भारद्वाज अथ उपपरीक्षा बहुकारा नो चेतम अथम उपपरीक्षेय नैदम धम्मा निज्जानम खमेयु यस्मा चखो अथम उपपरीक्षति तस्मा धम्मा निज्जानम खमंती तस्मा धम्म निज्जान खन्ति या अथ उपपरीक्षा बहुकारा थी। धर्म के अर्थ को अच्छी तरह से परीक्षा कारक जब तक नहीं जानेंगे, उसके अर्थ का नजदीक से परीक्षण नहीं करेंगे, तब तक धर्म का ठीक से अध्ययन नहीं होगा, ऐसा भगवान उस भारद्वाज ब्राह्मण से कहते हैं। फिर वो भगवान से पूछता है, अथ उपपरीक्षाय पनभो गौतम कतमो धम्मो बहुकारो, अथ उपपरीक्षाय बहुकारम धम्मम मयम भवंतम गौतमम पुच्छामाति। ये धर्म का नजदीक से परीक्षण कैसे होगा, किस चीज के कारण वह होगा? अथ उपपरीक्षाय खो भारद्वाज धम्म धारणा बहुकारा नो चेतम धम्मम धारेय नईदम अथम उपपरीक्षेय यस्मा चखो धम्मम धारेति तस्मा अथम उपपरीक्षति तस्मा अथ उपपरीक्षाय धम्म धारणा बहुकाराति। धर्म को धारण करना पड़ेगा भाई। भगवान उसे बता रहे हैं कि जब तक तुम धर्म को धारण नहीं करोगे, धर्म का पालन नहीं करोगे, तो धर्म के अर्थ की परीक्षा भी नहीं कर पाओगे। इसलिए धर्म को धारण करने से ही धर्म के अर्थ की नजदीक से परीक्षा होगी। फिर वो ब्राह्मण भगवान से पूछता है, धम्म धारणाय पनग भो गौतम कतमो धम्मो बहुकारो, धम्म धारणाय बहुकारम धम्मम मयम भवंतम गौतमम पुच्छामि। धर्म को धारण करने के लिए कौन सा धर्म बहु उपयोगी है, किस चीज से हम धर्म को धारण कर सकते हैं? तो भगवान कहते हैं, धम्म धारणाय को भारद्वाज धम्म सवनम बहुकारम, धम्म श्रवण करने से ही हम धर्म को धारण कर सकते हैं। नो च एतम धर्म सुनेयम नैदम धम्म धारेय, जो धर्म को सुनता ही नहीं है वो धर्म को धारण कैसे करेगा? यस्मा चखो धम्मम सुनाति तस्मा धम्मम धारेति, जो धर्म को सुनता है वही धर्म को धारण करता है। तस्सा धम्म धारणाया धम्म सवनम बहुकारम, इसलिए धर्म को सुनना धर्म को धारण करने के लिए बहुत सहायक है। धम्म सवनाय पन भो गौतम कतमो धम्मो बहुकारो, और धर्म श्रवण में कौन सा धर्म सहायक है? धम्म सवन सम बहुकारम धम्मम मयम भवंतम गौतम पुच्छामाति। हे गौतम, मुझे बताओ,
कि धर्म श्रवण में कौन सा धर्म अधिक सहायक है। तो भगवान कहते हैं, धम सवन सखो भारद्वाज सोतावधानम बहुकारम नो चेतम असोतम ओदहेय न इदम धम्मम सुनेय। कान लगाकर धर्म को सुनना बहुत जरूरी है। हमारे जो कान है उसका ध्यान धर्म के श्रवण के प्रति हो। अभी हम प्रवचन सुन रहे हैं और हमारा चित्त इधर उधर भटक रहा है, कान पे जो आ रहा है उस पे हमारा ध्यान ही नहीं, तो उससे कैसे बात चलेगी। तो धर्म का प्रवचन ध्यान देकर सुनने से ही धर्म का श्रवण अच्छी तरह से होगा, नहीं तो नहीं होगा। यस्मा चखो सोतम ओदहति तस्मम सुनाति तस्मा धम्म सवनस सोतावनम बहुकारम। तो हमारा धर्म का प्रवचन सुनने के प्रति हमारे कान का जो ध्यान है, वो जो हमारा लक्ष्य वहां पर होना चाहिए, इसकी वजह से ही हम धर्म को ठीक से सुन पाते हैं। तो उसके बाद फिर वह भगवान से सवाल करता है, सोतावधनस पन भो गौतम कतमो धम्मो बहुकारो सोतावधनस बहुकारम धम्मम मयम भवंतम गौतमम उच्छामाति। अब ऐसी चीज बताओ जिससे कि हमारा धर्म के प्रवचन में हमारे कारण उस प्रवचन के प्रति लगे रहे। तो भगवान कहते हैं, सोतावधान सखो भारद्वाज पैरूपासना बहुकारा नो चेतम पैरूपासेय नईदम सोतम ओदहेय यस्मा चखो पैरूपासति तस्मा ओदहति तस् सोतावधानस पैरूपासना भूकारात। तो उसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें हमारे गुरु को आदर देना पड़ेगा, हमारे गुरु की हमें ठीक से सेवा करनी पड़ेगी। अगर हमारे गुरु के प्रति हमारे मन में आदर नहीं होगा तो हम हमारे गुरु को कान लगाकर नहीं पाएंगे। उसके बाद गुरु को आदर देने के लिए क्या होना चाहिए, उपसंकमनस तो पैरूपासनायको भारद्वाज पनभो गौतम कतमो धम्मो बहुकारो पैरूपासनाय बहुकारम धम्मम मयम भवंतम गौतमम पुच्छामाति। हमारे मन में हमारे गुरु के प्रति आदर हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। पैरूपासनायको भारद्वाज उपसंकमनम बहुकारम नो चेतम उपसंकमेय नैदम पैरूपासेय यस्माचखो उपसंकमति तस्सा पैरूपासति तस्मा पैरूपासनाय उपसंकमनम बहुकारम। की गुरु का सानिध्य हमारे लिए आवश्यक है। आजकल तो हम मोबाइल से इंटरनेट से कंप्यूटर से गुरु के सानिध्य में रहते हैं, उस समय तो गुरु के पास ही जाना पड़ता था। तो गुरु का सानिध्य महत्वपूर्ण है गुरु के प्रति आदर उत्पन्न होने के लिए। तभी हम देख सकते हैं कि गुरु की चाल चलन कैसी है और गुरु का व्यवहार कैसा है, धर्म के अनुकूल है या नहीं, और उसके कारण हमारे मन में गुरु के प्रति आदर उत्पन्न हो जाता है। तो उसके बाद वो ब्राह्मण भगवान से सवाल करता है, उपसंकमनस्स पनभो गौतम कतमो धम्मो बहुकारो उपसंकमनस्स बहुकारम धम्मम मयम भवंतम गौतमम पुच्छामाति। गुरु का सानिध्य पाने के लिए कौन सा धर्म उपयुक्त है। तो भगवान कहते हैं, उपसंकमनस्स को भारद्वाज श्रद्धा बहुकारा। श्रद्धा ही ऐसा धर्म है जो हमें गुरु का सानिध्य प्रदान करती है। नो चेतम श्रद्धा जायेत नैतम उपसंकमेय। अगर श्रद्धा ही नहीं होगी तो आप गुरु के सानिध्य में जाओगे कैसे। यस्मा चखो श्रद्धा जायेति तस्मा उपसंकमेति। जिसमें श्रद्धा जागती है वही गुरु का सानिध्य प्राप्त करता है। तस्मा उपसंकमनस्स श्रद्धा बहुकाराति। इसलिए गुरु का सानिध्य प्राप्त करने के लिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। इस प्रकार भगवान ने धर्म की व्याख्या की और उससे वो जो कापटिक नाम का भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण विद्यार्थी था वो बहुत ही उल्लसित और खुश हो गया।
श्रद्धा से बात शुरू हुई थी, श्रद्धा से निर्वाण तक चली गई और निर्वाण से फिर श्रद्धा तक बात भगवान ने लाके खड़ी कर दी। और उसके बाद वो भारद्वाज कहता है, सच्चानुरक्षणम मयम भवंतम गौतमम अपुचिम सच्चानुरक्षणम भवम गौतमो व्याकोसि तम च पनमाकम रुच्यति चेव खमति च तेन चम्ह अत्तमन्ना। सत्य के अनुरक्षण के विषय में हमने आपसे पूछा और आप उस सत्य को बचाने को बहुत अधिक स्पष्टीकरण के साथ आख्यायित किया और उस व्याख्यान को हमने अत्यंत रुचि के साथ सुना और उससे हमारा मन प्रसन्न हुआ। उसके बाद सच्चानुबोधम मयम भवंतम गौतमम अपुच्छिम सच्चानुबोधम भवमो व्याकोसि तंच पनमाकम रुच्यति चेव खमति च तेन चम्ह अत्तमना। और फिर उसके बाद सत्य के अनुबोध के बारे में भी हमने भगवान से पूछा और भगवान ने उसे अच्छी तरह से हमें बताया, वो भी हमें अच्छा लगा और उससे भी हमारा मन प्रसन्न हुआ। सच्चानुपत्तिम मयम भवंतम गौतमम अपुच्छिम सच्चानुपत्तिम भवम गौतमो व्याकासि तम च पनमाकम रुच्यति चेव खमति च तेन चम्ह अत्तमना। और उसके बाद हमने भगवान से सत्य की प्राप्ति के बारे में पूछा और भगवान ने सत्य की प्राप्ति के बारे में भी हमें बहुत से अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से बताया, वह भी हमें अच्छा लगा, तर्कसंगत लगा और उससे भी हमारा मन प्रसन्न हुआ। उसके बाद सच्चानुपत्तिया बहुकारम धम्मम मयम भवंतम गौतमम अपुच्छिम सच्चानुपत्तिया बहुकारम धम्मम भवम गौतमो व्याकासि तम च पनमाकम रुच्यति चेव खमति च तेन चम्ह अत्तमना। तो सत्य की प्राप्ति के लिए जो धर्म सहायक है उनके बारे में भी मैंने भगवान को पूछा और उसके भी बहुत सारे अच्छी तरह से जवाब भगवान ने दिए और वो बहुत ही तर्कसंगत थे और उसकी वजह से हमारा मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। यम यदेव च मयम भवतम मयम ही भो गौतम पुब्बे एवं जानाम। इसके पहले भगवान मेरे मन में ये गलत फहमी थी, क्या गलत फहमी थी, के च मुंडका समणका इब्भा कणा बंधु पादा पच्छा, कि कहां ये नीच गए गुजरे काले ब्रह्मा के पैर से उत्पन्न हुए श्रमण लोग जो अपने केश मुंड कर फिरते हैं, माथा मुंड कर फिरते हैं, धम्मस्य अन्यातारोति, इनमें धर्म का ज्ञान क्या होगा, ऐसी गलतफहमी मुझ में थी। अजने सीवतमे भवम गौतमो समणेशु समण पेमम समणेशु समण प्रसादम समणेशु समण गारवम। और आज के इस प्रवचन के बाद हम ब्राह्मणों के मन में और मुझ में गौतम श्रमण के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है, उसके प्रति प्रसाद उत्पन्न हुआ है, श्रमण परंपरा के प्रति मेरे मन में गौरव उत्पन्न हुआ है, इसलिए हे भगवान अभिकंतम भो गौतम। और जैसे हर सूत्र में कहा जाता है कि आश्चर्य है गौतम, आश्चर्य है जैसे आपने इस तरह से धर्म से को समझाया कि कोई उल्टे बर्तन को सीधा कर दे या कोई किसी गड्ढे पर वीवर पर आच्छादन है उसे दूर कर दे या कोई भूले हुए प्रवासी को रास्ता बता दे या कोई अंधेरे में दीप जला दे ताकि आंखों से देखने वाले उसको देख सके। और फिर इस प्रकार नाना प्रकार से आपने धर्म को प्रकाशित किया है, तो आज से मैं भगवान की शरण जाता हूँ, आज से भगवान मुझे मृत्यु के क्षण तक अपना उपासक स्वीकार करे। इस प्रकार उस चंकी ब्राह्मण के साथ आए वाले बैठे वाले ब्राह्मण भारद्वाज गोत्र के कापटिक नाम के विद्यार्थी ने भगवान के प्रति शरण जाने की बात कही और वहां पर कितने सारे ब्राह्मण बैठे हुए थे जो आत्मभाव में विश्वास करते थे और इस सूत्र के बाद
वो सारे के सारे भगवान के शिष्य बन गए। और उन्होंने फिर यही साधना की। देखो यह प्रतीत समुपात जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। बहुत सारी परंपराओं में केवल अनित्य दुख अनात्म इन तीन लक्षणों के बोध पर ही ज्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन ये जो तीन लक्षण है सबके सब आकर कहां पर टिकते हैं? उनका परिणाम यही है कि अनात्म बोध, किसी भी चीज में मैं नहीं है, मेरा नहीं है, ये मेरी आत्मा नहीं है, ये देखना ही ये अनित्य बोध का और दुख बोध का भी उद्देश्य है। और जब आप प्रतीत समुपात को देखते हो सम्यक व्यायाम करते हुए, तो उसकी हर कड़ी में आप इस अनित्यता को, इस दुख को और इस अनात्म को देखते हो। जैसे जैसे आप वसम भयम काय संखारम करते जाते हो, वैसे वैसे यह पतित्य समुपात की कड़िया वेदना पच्चया दणा, दणा पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, ये स्पष्ट होने लगती है। और जैसे ही आप वेदना के ऊपर जो तनहा उत्पन्न हो रही है उसे रिलैक्स कर देते हो, उसे पसम भयम कर देते हो, तो उसी के कारण निर्वाण की अनुभूति होती है। ये जो प्रथम ध्यान से लेकर नवे ध्यान तक हम चले जाते हैं, ये प्रथम ध्यान समापत्ति, द्वितीय ध्यान समापत्ति, तृतीय ध्यान समापत्ति, चतुर्थ ध्यान समापत्ति, और उसके बाद आकाश आयतन का ध्यान, फिर विज्ञान आयतन का ध्यान, फिर किंचन आयतन का ध्यान, फिर ना संन्या ना संन्यायतन का ध्यान, ये सब इस प्रक्रिया में आपकी जो समझ है प्रतीत समुपात की समझ, उसके बढ़ने के स्तर है अलग अलग। और आप गहराई में गहराई में गहराई में प्रतीत समुपात को जान रहे हो, जैसे जैसे एक एक ध्यान में आप जानते हो, और उसके बारे में आपकी रुचि, आपका लगाव, आपका छंद बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप अधिक सूक्ष्मता से इस प्रतीत समुपात को जानते हो, तो चाहे आप आनापान कर रहे हो, चाहे विपश्यना कर रहे हो, चाहे मंगल मैत्री कर रहे हो, जिस किसी प्रकार का ध्यान आप करते हो, उसमें ये बहुत जरूरी है कि आप ये पसम भयम काय संखारम, पसम भयम चित्त संखारम और विनय लोके अभिच्छा दोमनस्सम करते रहो। जब भी किसी भी ध्यान के आलंबन को आप लेकर ध्यान कर रहे हो और आपके मन में ये विचार आया, हो सकता है ऐसा विचार आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यह विचार एक टीका करने वाला विचार है, या कोई क्रोध का विचार आया, द्वेष आया जो किसी वेदना को नहीं चाहता है, हमारे जो छह इंद्रिय है उसमें से किसी भी इंद्रिय पर कोई विषय आया और वो हमें अच्छा नहीं लगता, उसकी वजह से दुखद वेदना जागी, तो ध्यान करते समय आपको ये देखने का मौका मिलता है कि कितनी शीघ्रता से हमारा मन प्रतिक्रिया कर रहा है और कैसे हम वेदना से लेकर तनाव, उपादान और भव तक झट से चले जाते हैं प्रतिक्रिया करने में। और जब हम पसम भयम काय संखारम, पसम भयम चित्त संखारम करते हैं, तो हम यह देखने लगते हैं कि कैसे पहले वेदना आई, फिर तणहा आई, फिर उपादान आया और फिर भव उत्पन्न। तो हमें उस तृष्णा के मूल में ही, तृष्णा के प्रति ही पसम भयम रिलैक्स करने का मौका मिल जाता है और सूक्ष्मता से हम उसे देख पाते हैं। इस शिविर में या इस शिविर के बाहर भी ध्यान को छोड़कर जो कुछ भी आप कर रहे हो उसे भी साधना का अंग बना लो। अगर आप उसे नहीं बनाओगे
तो आपकी साधना बहुत गहराई में नहीं जाएगी। जब आप दिन का काम कर रहे हो तो साधना बहुत गहराई में नहीं होती है, फिर भी आप अगर पसम भयम करते रहो, जब भी आपका मन भटकता है दैनंदिन कामों में भी, और मन भटकने के बाद तुरंत आप उसे रिलैक्स करते रहो सिर के तान तनाव को, तो आपकी जो आदत है मन के भटकने की और उसके ऊपर प्रतिक्रिया करने की और वो मन भटकाने वाले विचारों में बह जाने की, उसकी आदत से आप छुटकारा पाने लगते हो। मैं चाहता हूं किसी भी चीज को मैं मेरा कह के गंभीरता से मत पकड़ो, हर चीज को मुस्कुराहट के साथ जाने दो। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब भी आप किसी चीज में मुस्कुराते हो तो आपका मैं मेरे का भाव जो है वो कम हो जाता है। जैसे कोई दर्द है, दर्द आ गया और आपने मुस्कुरा दिया, तो उस दर्द को मेरा दर्द है यह भाव कम हो जाएगा और वह केवल दर्द है इसमें परिवर्तित हो जाएगा। हम क्या चाहते हैं इसी जीवन में, इसी तन और मन में निर्वाण का साक्षात्कार हो, यह हमारा लक्ष्य है। लेकिन यह जो पारलौकिक निर्वाण है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले जब भी हम प्रसम भयम काय संखारम यानी कि सिर के तान तनाव को ढीला करने का अभ्यास करते हैं, तब उसी क्षण एक मुंडेन, एक इहलोकीय, एक पृथ्वी वाला निर्वाण हम अनुभव करते हैं, क्योंकि इन क्षणिक निर्वाणों को अनुभव करते करते ही वह जो अंतिम सत्य है वह अचानक प्रकट हो जाएगा। हम एक एक विकार को निकालते जा रहे हैं इस क्षणिक निर्वाणों को अनुभव करते हुए। जब हम ये कर रहे हैं तो दो चीजें होती है, एक कि हम किसी भी चीज को अपने मन के मुताबिक नियंत्रित करने की आदत को छोड़ देते हैं, मैं मेरा समझना छोड़ देते हैं, और पता नहीं कितने जन्मों से हमने वो आदत बना ली है कि जो भी घटता है उसे हम नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ जो असमाधान पैदा होता है जब किसी चीज को हम नियंत्रित करना चाहते हैं और वो नियंत्रित नहीं हो पाती, तो उसके साथ जो असमाधान पैदा होता है उसे हम देख नहीं पाते। और जब भी आप विचार के भटकने के बाद तान तनाव को ढीला कर देते हो तो मैं और मेरे की भावना को आप छोड़ देते हो, और जिस तरह आप इसे बार बार करते जाते हो तो आपका मन हल्का हल्का और अधिक अधिक जागरूक हो जाता है। और कई लोगों को लगता है कि ये क्या मुस्कुराने को कहते हैं, मुस्कुराने से क्या होगा, लेकिन मुस्कुराने से ये होता है कि मैं मेरे का भाव चला जाता है, जो आपका चिपकाव आपके विचारों के प्रति, आपके मत मतांतरों के प्रति, आपकी कल्पनाओं के प्रति, आप जो आगे के बारे में सोचते हैं उसके प्रति जो आपका चिपकाव है वो मुस्कुराने से कम हो जाता है। सत्य के प्रति जो आपकी कल्पनाएं है उन कल्पनाओं से आप बाहर निकलते हैं और सच्चाई का सामना करते हैं, और उनके नीचे जो तृष्णा होती है, उपादान होता है, जो संन्या होती है, उससे भी छुटकारा होने लगता है। तो आए, चाहे आनापान कर रहे हो, चाहे मंगल मैत्री का अभ्यास कर रहे हो, जो भी कर रहे हो,
उसमें सम्यक व्यायाम 6 पायदानों का जरूर करें और इसी जीवन में निर्वाण का अनुभव करें। ये जो साधना हमने सीखी है उसका सही सही उपयोग करें। आओ अब पुण्य का वितरण करते हैं। दुख पता च निदुखा, भय पता च निभया, शोक पता च निशोका, हन्तु सब्बेऽपि पाणिनो, एतावता च अम्मेहि संभतं पुण्य संपदं, सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया, आकाशट्ठा च भूमट्ठा, देवानागा महिद्धिका, पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्खन्तु बुद्ध शासनं। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु।